अध्याय 3221 से 3230 लड़की भी निर्दोष है और उसका पहरा देने का कोई इरादा नहीं है। उसकी नजर में उसके सामने वाला आदमी उसका जीवन बचाने वाला दाता है। उस स्थिति में सावधान रहने की कोई बात नहीं है। लड़की का पीछा करते हुए ये ज़िविन बुज़ो पर्वत की तलहटी में एक छोटे से गांव में आए। ऐसे गांव बुज़ो पर्वत की तलहटी में हर जगह है। लड़की का घर छोटे से गांव के किनारे पर है और वह लगभग छोटे गांव से बाहर है। टेरान की ताकत के कारण, विशेष रूप से बुज़ो पर्वत जैसे टेरान के मुख्य आधार शिविर के क्षेत्र में अन्य जातीय समूहों के कोई मजबूत लोग नहीं होंगे। टेरान को अपनी सुरक्षा के लिए शहर बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे बुज़ो पर्वत की तलहटी में बिखरे हुए गांव और यहां तक की जनजातियां भी हैं। रास्ते में लड़की ने ये ज़िविन को अपना नाम भी बताया। बियान ज़ियाओयू के एक पिता भी थे। गांव में लोग उसे बियान पिता कहते थे और इस बार वह अपने पिता के लिए दवा लेने आई थी जो बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार थे। ये ज़िविन ने चारों ओर नजर डाली और देखा कि यहाँ का ज़ियाओयू परिवार स्पष्ट रूप से गांव में लोकप्रिय नहीं था। हम उनकी स्थिति से जान सकते हैं। ये बहुत पक्षपातपूर्ण था। यह एक छोटा सा लकड़ी का घर है। ये ज़िविन ने उस पर नजर डाली और उसे अच्छी तरह से देखा। लकड़ी का घर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। बाहर के कमरे में बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ है, लेकिन इस समय वह अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही गुस्से में है। इसमें देखा जा सकता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े वह दिन ब दिन जीवित रहता आया है। भीतरी कमरे में बियान ज़ियाओयू का कमरा है। हालांकि इसमें कोई उत्तम पोशाक नहीं है, फिर भी यह काफी साफ सुथरी दिखती है। दुल्वो महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ परिवार में केवल ये दो पिता और बेटियां हैं। जहां तक उसकी माँ की बात है तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये ज़िविन को ये जानने की जरूरत नहीं है। इसका अंदाजा वह अपने चेहरे को देखकर आसानी से लगा सकती है। ये शिवेन चाहे तो भी ये पता लगा सकती है कि उसकी माँ की मृत्यु कब हुई और उस समय क्या हुआ था। मन के बिना कुछ प्राणियों की गणना करना आसान है। बियान ज़ियाओयू तेजी से लकड़ी के घर की ओर चला गया। कुछ ने झुंझला कर कहा, अमर कृपया अंदर आओ। ये ज़िविन ने अंदर कदम रखा, लेकिन देखा कि वह आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के लिए संघर्ष कर रहा है, और फिर उसने बियान ज़ियाओयू की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। ज़ियाओयू खांसी, ये है। जब पिता बियान बोले तो वह हौंफने लगे, जैसे कि उन्हें हर शब्द कहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा हो। पिताजी जल्दी से लेट जाओ, अमर ने मुझे पहले ही बचा लिया। बियान ज़ियाओयू जल्दी से आगे बढ़ा और बियान के पिता को नीचे गिरा दिया। धन्यवाद अमर गुरु, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं, बूढ़ा आदमी, फादर बियान ने जल्दी से ये ज़िविन से कहा और फिर बियान ज़ियाओयू की ओर देखा। उसकी आंखें पिंडलियों को चाटने से भरी थी। वह नहीं जानता था कि उसकी बेटी क्या कर रही है, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सका। एक परिवार को अपनी बेटी को काम करने और परिवार का समर्थन करने के लिए बाहर जाना पड़ा। यह असहाय था। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रयास है। ये ज़िविन ने अपना हाथ लहराया और कहा, अमर गुरु से मेरे पिता को बचाने के लिए कहो। ज़ियाओयू एक बैल और घोड़ा बनकर अमर गुरु का बदला चुकाने को तैयार है। बियान ज़ियाओयू ने अचानक घुटने टेक दिए और कहा, ये ज़िविन के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिना सोचे समझे खुद को वापस ले आएगी। ये सिर्फ उसकी बेगुनाही के कारण नहीं है, बल्कि वह अब भी अपने पिता को बचाना चाहती है। उसकी अपनी क्षमता के साथ कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसकी राय में ये ज़िविन के पास खुद को चट्टान से गिरने से आसानी से बचाने का एक तरीका हो सकता है। उसकी नजर में यह अद्भुत था। क्यों, तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया? ये ज़िविन ने बिना प्रतिबद्धता के कहा, हमारे परिवार के पास पैसे नहीं है और गांव के डॉक्टर मेरे रिश्ते के कारण मेरे पिता का इलाज नहीं करना चाहते हैं। बियान ज़ियाओयू ने कुछ हद तक असहज रूप दिखाया। क्यों, ये ज़िविन ने पूछा। वे कहते हैं कि मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जन्म के ठीक बाद अपनी माँ को मार डाला। बियान ज़ियाओयू के चेहरे पर असहजता पूरी तरह से गायब हो गई है। वर्षों से इन चीजों की आदत हो गई है। दुल्वो महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ ये बूढ़ा आदमी है जो बच्चे की अच्छी देखभाल नहीं कर सकता। बच्चा एक अच्छा बच्चा है, बूढ़े का स्वास्थ्य खराब है पूरे साल। वह इसकी देखभाल कर रही है। मैं अक्षम हूँ।
फादर बियान ने कहा, उनका चेहरा माफी और दर्द से भरा हुआ है। यदि यह पिछला जीवन होता तो ये जीवन इसे अंधविश्वास के रूप में निरूपित करने में संकोच नहीं करते, लेकिन अब यह अलग है। ग्रामीण मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि यह कारण नहीं है। वह बियान जियाओयू की स्थिति की जांच करने वाला था। अचानक बाहर शोर मच गया। बियान परिवार की चुड़ैल अभी तक नहीं गई। थोड़ी तेज आवाज आई और फिर तेज कदमों की आवाज आई। जल्द ही लकड़ी के घर का बाहरी हिस्सा गांव के ग्रामीणों से भर गया। बियान जियाओयू, हम आपको एक महीने के भीतर छोड़ने की सीमा देते हैं। अब आपकी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? इसी समय एक बूढ़ा आदमी आगे आया, चिल्लाया और बोला, अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। हमने तुम्हें जीने दिया है। अंकल और अंकल, जब मेरे पापा तैयार होंगे तो मैं जाऊंगा। बियान जियाओयू ने जल्दी से कहा, लेकिन मेरे पिता ऐसे हैं, मैं वास्तव में नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं कि आपके अस्तित्व के कारण हमारे गांव को कितना अन्याय सहना पड़ा है? जिस अमर शिक्षक को हमने वापस आमंत्रित किया था, उन्होंने कहा था कि यह आपका अस्तित्व ही है जिसने इस गांव में इतनी सारी आपदाएं पैदा की है। एक और मजबूत अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं जाऊंगा। क्या आप मुझे कुछ और समय दे सकते हैं? बियान शियाओयू ने माफी मांगी और यहां तक कि झुक भी गए। क्या तुम सचमुच हमारे पिता और बेटी को मारना चाहते हो? फादर बियान ने बार बार खांसते हुए पूरी ताकत से कहा, लाओ बियान, हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं और तुम्हें हमारे बारे में सोचना होगा, है ना? कुछ ग्रामीण ये कहना सहन नहीं कर सके। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, जिसने उन्हें फिर से क्रूर बना दिया। बियान के पिता और बेटी और ग्रामीणों के बीच टकराव को देखते हुए ये जिवेन हल्की सी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके और फिर कहा, आप सभी वापस जाओ। ये जिवेन की आवाज जादू जैसी थी। जिन ग्रामीणों ने तमाशा बनाने की योजना बनाई थी, वे बिना किसी हलचल के आज्ञाकारी ढंग से चले गए। बियान परिवार के पिता और बेटी ने भी अपनी आंखें खोली। जाहिर है उन्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि कभी हार न मानने वाले इन ग्रामीणों ने उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया। जब ये जिवेन समाप्त हो गया तो उसने सीधे अपनी भारी पुतली खोली और बियान जियाओयू को देखा, लेकिन वह ये देखकर दंग रह गया कि बियान जियाओयू के शरीर में एक शुद्ध जादू था। ये जादू हर समय बियान जियाओयू के शरीर को बदल रहा था। यही मूल कारण था कि बियान जियाओयू को बाहर रखा गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जन्म के समय ही मां की मृत्यु हो गई। सामान्य नश्वर महिलाएं इस तरह के जादू को कैसे सहन कर सकती हैं? लेकिन जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वही ये थी कि बियान शियाओयू के शरीर में इतना शुद्ध जादू था। साधारण राक्षसों के पास भी ऐसा शुद्ध जादू नहीं हो सकता। क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? इस समय इस खोज का ये जिवेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यह उनके तीन दृष्टिकोणों को उलटने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तविक पुनर्जन्म और पुनरुद्धार होता है। वास्तव में जो उसने पहले देखा था, जिसे प्राचीन काल में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता था, वह युवान भगवान का एक टुकड़ा मात्र था जो बच गया और पुनर्जन्म हुआ। यह अजीब है कि सृष्टि के जिस ईश्वर से वह पहले मिला था, वह वास्तव में एक दिव्य शक्ति का पुनर्जन्म था। हालांकि उन्होंने वास्तविक पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के बारे में कभी नहीं सुना है। जहां तक वह जानता है, मन्युन पूरी तरह से गिर चुका है। अन्यथा एसएलआर को बचाया जा सकता है। असुर परिवार इसे जाने नहीं दे सकता। इसके अलावा सम्राट बनने के बाद उसने ये भी गणना की कि वह किसी भी उपयोगी चीज की गणना नहीं कर सकता। इसके अलावा सृष्टि की दुनिया में पुनर्जन्म लेना असंभव है। बहुत सारे चमत्कार हैं। बेहद समान शक्ल और शरीर में अविश्वसनीय जादू दोनों ही ये जीवन के तीन दृष्टिकोणों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें जीवन और मृत्यु की बहुत गहरी समझ है, लेकिन अब उन्हें हल्का सा एहसास हो रहा है कि वे विकृत होने वाले हैं। ये भावना ऐसी है जैसे पूरा व्यक्ति टूटकर नष्ट हो जाएगा। एक तपस्वी के लिए उसे सबसे अधिक डर इस बात का होता है कि उसका रास्ता उलट दिया जाएगा। उस स्थिति में रातों रात खेती का अचानक गिरना केवल फुर्सत की बात है और वह भूत प्रेत से ग्रस्त होकर मर भी सकता है। सौभाग्य से ये जिवेन अंडरवर्ल्ड का भगवान या अंडरवर्ल्ड का सम्राट नहीं है। ये दो मृत्यु नियम लगभग सभी के लिए समान है। अगर वे उन्हें ढूंढ लेते हैं तो मुझे डर है कि रास्ता ध्वस्त हो जाएगा। तो जिवेन के लिए मृत्यु का नियम उनमें से सिर्फ एक था। हालांकि इसे हिलाया गया था, लेकिन जल्द ही इसे दबा दिया गया। जाहिर है कुछ ऐसा जरूर होगा जो ये शिवेन को नहीं पता था। ये देखकर कि आप जिवेन ने बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, बियान जियाओयू ने ये जिवेन की ओर निर्भीक दृष्टि से देखा और फिर कहा, अमर गुरु से मेरे पिता को बचाने के लिए कहो।
छोटी महिला बैल और घोड़ा बनने को तैयार है, अमर गुरु का बदला चुकाओ। बियान जियाओयू के शब्दों ने उसे उसकी उलझी हुई सोच से बाहर निकाला। ये जिवेन ने थोड़ा सोचा, फिर अपना मुंह खोला और कहा, मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक अमर गुरु मेरे पिता को बचाने के इच्छुक हैं, मैं 1,000 शर्तों और 10,000 शर्तों से भी सहमत होने को तैयार हूँ। बियान शियाओयू ने जल्दी से कहा कि उसकी बर्फ सफेद गर्दन लाल हो गई थी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। मेरा केवल एक ही अनुरोध है। मुझे लगता है कि आपके पास अच्छी योग्यताएं हैं। क्या आप मेरे साथ अभ्यास करने में रुचि रखते हैं? ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। जियाओयू, तुम क्या कर रहे हो? धन्यवाद मास्टर। बियान के पिता ने कई वर्षों तक बियान जियाओयू की तुलना में अधिक नमक खाया और उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से बियान जियाओयू की तुलना में बहुत तेज थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कहा, हाँ मुझे पता है। बियान जियाओयू ने मास्टर को देखा है। बियान जियाओयू ने भी तुरंत जवाब दिया और जल्दी से कहा, उसने केवल यही सोचा था कि ये जिवेन एक साधारण भिक्षु था, यानी ग्रामीणों के मुंह में अमर शिक्षक, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसके लिए कितना मौका था। ठीक है, उठो, मैं पहले तुम्हारे पिता का इलाज करूंगा, ये जिवेन ने कहा। बियान जियाओयू जल्दी से उठी और अपने दुखते घुटने को रगड़ा। वह थोड़ी अजीब लग रही थी और थोड़ी देर तक ये जिवेन को अजीब तरह से देखती रही। हालांकि पिता बियान की चोट बहुत गंभीर है और उनकी क्यूई स्प्रिंग की तरह है। यदि किसी को परवाह नहीं है तो यह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हालांकि तुम जिवेन के लिए ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बस उसके हाथ के एक झटके से पिता बियान के शरीर में जीवन का एक स्रोत प्रवाहित हो गया। जोड़ नया कैरेट कैरेट जोड़। सम्राट की उत्पत्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसने न केवल अपनी सभी चोटों को ठीक किया बल्कि अपने शरीर की अशुद्धियों को भी खत्म कर दिया। टेंडन धोने और मज्जा काटने से शरीर के बाहर गंदगी नहीं बनेगी बल्कि सीधे हवा में वाष्पित हो जाएगी। यहाँ तक कि बिना किसी योग्यता वाले लोग भी ये जीवन के परिवर्तन के तहत अद्वितीय प्रतिभा बन सकते हैं। खेती के बिना भी वे बिना किसी दबाव के सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ये है। बियान के पिता को तुरंत लगा कि उसका शरीर एक ही बार में बेहतर हो गया है। निगल के समान हल्के होने का यह एहसास कई वर्षों से नहीं देखा गया है। तुम्हें पता है, उसकी चोट के कारण उसे केवल अपने पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता है। चलना या लेटना कठिन है। अब उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर पूरी तरह से पुनर्जन्म हो गया है और किसी अन्य व्यक्ति की भावना बन गया है। धन्यवाद अमर गुरु आपकी जान बचाने के लिए, फादर बियान ने जल्दी से कहा। उसे तो बहुत खुशी महसूस हुई। अमर गुरु बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। उनकी बेटी ने उनकी पूजा की और उन्हें असीमित भविष्य मिला। ये तो बस एक छोटा सा प्रयास है, ये जिवेन ने कहा। जियाओयू, क्या तुम तैयार हो? यदि तुम मेरी प्रशिक्षु बनना चाहती हो तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। यह बियान शियाओयू ने अपने पिता की ओर देखा और झिझका। मूर्ख लड़की, तुम्हें मेरी क्या परवाह है? मैं अब मजबूत हूँ। ये तब जैसा है जब मैं छोटा था। क्या तुम्हें डर है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता? फादर बियान ने जल्दी से कहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी को सांत्वना दी, यह उनकी भावना भी है। हाँ, उनकी शक्ल काफी छोटी है। दिखने में ही यह बयान जियाओयू से थोड़ा ही बड़ा है। ठीक है, मैं समझ गया मास्टर, मैं तैयार हूँ, बयान जियाओयू ने कहा। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अभ्यास में सफल हो जाते हैं तो वह आपके पिता से मिलने आ सकती है। आपका अभ्यास स्थान कहीं और नहीं बल्कि इस बुजो पर्वत में भी है। हालांकि बुजो पर्वत बहुत बड़ा है उन लोगों के लिए जो अभ्यास में सफल है, ये दुनिया के अंत से बस कुछ ही दूरी पर है, ये जिवेन ने सांत्वना दी। अच्छा ऐसा है, बियान जियाओयू ने कहा कि ये सुनकर उसे राहत मिली कि ये जिवेन ऐसा कह रहा है। वह अभी भी छोटी थी और ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। हालांकि उसने उन विशेषज्ञों की किंवदंतियों के बारे में बहुत कुछ सुना था जो आए और ऊंचे स्थान पर चले गए। प्रतिदिन हजारों मील की दूरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह वास्तव में शक्तिशाली शारीरिक पद्धति को नहीं जानती है। ये प्रतिदिन 1,000 मील से भी अधिक है। ठीक है, चलते हैं, ये जीवेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस बार फसल पर्याप्त थी। बियान जियाओयू ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसे केवल अपने पैरों के नीचे एक बादल उठता हुआ महसूस हुआ। फिर वह इस बादल की पृष्ठभूमि के खिलाफ उड़ गई और सीधे बुजो पर्वत की चोटी की ओर उड़ गई। ये सचमुच उड़ रहा है। बियान जियाओयू बादल पर लेटा हुआ था और बहुत आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह जानती थी कि स्वामी अमर था, वह वास्तव में अमर थी।
जब आप वास्तव में उड़ते हैं तो अपने विस्मयादिबोधक को छिपाना कठिन होता है। सृष्टि के देवता में टेरांस की गुणवत्ता आमतौर पर उच्च है, लेकिन अधिकतम ये रॉक क्लाइंबिंग और दीवार क्लाइंबिंग है। अभ्यास से पहले उड़ान अभी भी एक दूर का सपना है, क्योंकि ये एक ऐसी क्षमता है जो इंसानों के पास नहीं है। इसे एक अलौकिक शक्ति कहा जा सकता है, जिसमें कानूनों का विशिष्ट अनुप्रयोग शामिल है। ये सामान्य ज्ञान के विरुद्ध है, जिसे सामान्य लोग नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक है। हमारी अनूठी शारीरिक पद्धति सीखने के बाद उड़ान भरना केवल फुर्सत की बात है, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुवर, इस प्रकार हमारे कितने शिष्य हैं? बियान शियाओयू ने पूछा। मेरी नस सृष्टि के ईश्वर में बसती है। आप एकमात्र औपचारिक शिष्य हैं। मैंने अन्य दो को मार्शल आर्ट सिखाया है, लेकिन वे औपचारिक शिष्य नहीं है। ये जिवेन ने कहा कि उस समय भी उनके पास कोई निश्चित जगह नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उनके मन में शिष्यों को स्वीकार करने का विचार नहीं होगा। तो मैं बड़ी दुनिया हूँ, बियान जियाओयू ने कहा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, ये जिवेन ने कहा कि स्वर्ग की दुनिया में उनके शिष्य हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनके आने की संभावना नहीं है। सृजन के इस देवता राजवंश में ये छोटी लड़की वास्तव में बड़ी दुनिया है। शिष्यों की भर्ती की उनकी कोई योजना नहीं है। यदि वह इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता है तो वह केवल बियान जियाओयू और उन्हें देख सकता है। अब तक मैं गुरु का नाम नहीं जानता, बियान शियाओयू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और पूछा। शिक्षक के रूप में सम्राट हूँ, आपको याद रखना चाहिए, ऐसा न हो कि आप बाहर जाएं और अपने स्कूल को भी न जाने। यही असली मुस्कान है, ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। सम्राट हूँ, कितने दबंग हैं? बियान जियाओयू एक पहाड़ी गांव से आया था। वह नहीं समझती कि शाही पदवी का मतलब क्या है। यदि वह थोड़ी सी विरासत वाली एक भिक्षुणी है तो वह इस बारे में अस्पष्ट नहीं हो सकती कि किस प्रकार के अस्तित्व के कारण उसे सम्राट हूँ कहा जा सकता है। भले ही वह स्वयं सम्राट को नहीं जानती हो, वह ये भी जानती है कि वह दुनिया का सर्वोच्च प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है। दबंगई, हाँ, ये पहली बार है जब ये शिविन ने ऐसी टिप्पणी सुनी है। मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? बियान शियाओयू ने पूछा। वह नहीं जानती थी कि ये जिवेन किस बात पर हंस रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसमें कुछ भी हास्यास्पद नहीं था। जल्दी आ रहा है, हालांकि ये जिवेन शायद ही कभी बादलों के बीच से उड़ता है, आखिरकार क्षेत्र यही है। ये बातचीत के बीच सिर्फ कुंग फू है। वह पहाड़ की चोटी पर आ गया है। दूरी में ये दो भागों में बंटा हुआ है, एक मानव महल और दूसरा दैवीय दरबार। मानव महल की तुलना में ये बहुत अधिक जीवंत है, और दैवीय दरबार में आप शिवेन की सेवा के लिए विभिन्न बलों द्वारा भेजे गए बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरकार आप शिवेन को अब तक कोई शिष्य नहीं मिला है। खुली शाखाओं और बिखरे हुए पत्तों की तो बात ही छोड़ दे, और संप्रदाय को आगे बढ़ाया। बहुत खूब, बियान जियाओयू ने अपना मुंह थोड़ा खोला। जैसे जैसे वह गुजो पर्वत की चोटी के करीब पहुंची, उसे और अधिक महसूस हुआ कि शायद मालिक वास्तव में अलग था, जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। ये जिवेन गुजो पर्वत पर लौट आए और एक प्रशिक्षु प्राप्त किया। ये जंगल की आग की तरह फैल गया। ये जल्द ही पूरे बुझो पर्वत पर फैल गया, और यहाँ तक कि रेंजो और चार राज्यों तक भी फैल गया। चार राज्यों की जमीन के एकमात्र नामात्र मालिक के रूप में उनका हर कदम अनगिनत लोगों की चिंता पैदा करेगा। कितने लोग सम्राट वू की पूजा करना चाहते हैं? प्रमुख ताकतों के नेता जो अपने सर्वोत्तम बच्चों को ये शिवेन की सेवा के लिए भेजते हैं, हो सकता है कि वे तुम्हें अपने उत्कृष्ट बच्चों को देखने और भविष्य में ये शिवेन की पूजा करने का मौका न देना चाहें। लेकिन ये जिवेन ने हमेशा शिष्यों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, इसलिए वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। सौभाग्य से ये जिवेन समय समय पर उनका उल्लेख करेंगे, जो एक महान फसल है। जब उन्हें लगा कि ये जिवेन को शिष्यों को स्वीकार करने का कोई विचार नहीं है, तो ये जिवेन के पहले शिष्य का जन्म हुआ। सम्राट वू तियान दिव्य दरबार के सामने एक चौराहे पर बियान शियाओयू ने चारों ओर देखा और विशाल चौराहे को देखा। हर जगह परी कोहरा और आत्मा थी। उसे बस यह महसूस हुआ कि यहाँ सांस लेना भी बहुत सुखद बात है। अपनी आंखों में उसने इतना सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ये वह स्थान है जहाँ मास्टर ने अभ्यास किया था और जहाँ उन्होंने पहले अभ्यास किया था। वह अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी, क्योंकि यद्यपि वह जानती थी कि गुरु एक अमर गुरु था, वास्तव में वे सभी भिक्षुओं को अमर गुरु कहते थे और जानते थे कि अमर गुरुओं के बीच उच्च अंक थे। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मालिक इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन ये जिवेन ने उसे यही इंतजार करने के लिए कहा, और वह दूर नहीं जा सकी। उसे भी ये बहुत पसंद आया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में जी रही हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसी जगह पर रह सकेगी। क्या वह वयस्क की शिष्या है? धीरे धीरे कई आंकड़े सामने आए। वे सभी उत्कृष्ट बच्चे हैं जिन्हें प्रमुख ताकतों के नेताओं ने आपकी शिविर की सेवा के लिए भेजा है। वहाँ पुरुष और महिलाएं हैं। ये सभी लोग चीनी पोशाक पहने हुए हैं और उत्कृष्ट स्वभाव के हैं। जब वे बाहर होते हैं तो वे सभी नायकों की तरह मौजूद होते हैं। यहाँ तो वे साधारण शिष्य ही हैं। हालांकि फिर भी ये कई लोगों का सपना रहा है। न केवल कई अप्राप्य अभ्यास संसाधन हैं, बल्कि कई अभ्यास सिद्धांत और दिव्य कौशल रहस्य भी हैं, जिनके बारे में कभी नहीं सुना या देखा गया है। समय समय पर ये जीवन सलाह देंगे। नाम के अलावा कुछ भी बुरा नहीं है। इसके अलावा चारों अवस्थाओं में जो शिष्य ईश्वरीय दरबार से बाहर जाते हैं, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, वे भी श्रेष्ठ होते हैं। लगता है कि अच्छी शक्ल के अलावा कुछ है ही नहीं। वयस्क ने अचानक प्रशिक्षु को क्यों स्वीकार कर लिया? ये लोग भगवान के मन से बोलते हैं और सीधे बोलने की हिम्मत नहीं करते। वे अब भी जानते हैं कि गरिमा और हीनता में अंतर होता है। बियान ज़ियाओयू को बहुत से लोगों ने घूर कर देखा। वह बहुत घबराई हुई थी। जब से वह बच्ची थी तब से वह किनारे पर रह रही है और हमेशा दूसरों से सबसे अधिक तिरस्कृत रही है। उसे कभी भी इतने सारे लोगों ने एक साथ नहीं देखा है। सबसे प्रतिष्ठित लोगों की तो बात ही छोड़ दे। आप, बियान ज़ियाओयू ने बस दो शब्द कहे, लेकिन फिर उसने ये देखा। उसने महसूस किया कि ऊंचे और अप्राप्य पुरुषों और महिलाओं ने आधे घुटने टेक दिए और एक बड़ा उपहार दिया। मैंने छोटे भगवान को देखा है और छोटे भगवान के साथ सब ठीक है। हजारों लोगों ने एक ही समय में साफ सुथरे और समान तरीके से बात की। उन्होंने बियान ज़ियाओयू को लगभग नहीं डराया। फिर आखिरकार उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन लोगों ने शाओजू के बारे में जो कहा वह किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद कहा है। हालांकि उसे यह अनुभव कभी नहीं हुआ था और वह केवल तुरंत कह सकी, उठो। धन्यवाद युवा भगवान, हजारों लोगों ने एक साथ कहा और फिर एक के बाद एक उठ खड़े हुए। अचानक इस समय मैंने एक इंद्रधनुषी पुल को आसमान से गिरते देखा और सीधे बियान ज़ियाओयू के सामने रखा। एक इंद्रधनुषी पुल आसमान से गिरा और सीधे बियान ज़ियाओयू के सामने गिरा। जब बियान ज़ियाओयू थोड़ा अभिभूत थी तो ये ज़िविन की कोमल आवाज उसके कानों में पड़ी। दुल्वो महाद्वीप 3 ड्रैगन किनकी किंवदंती http://www.bikhujazw.com/0_48/ होन कियाओ पर कदम। बियान ज़ियाओयू ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने उस पर कदम रखा और अचानक महसूस किया कि उसके सामने एक फूल है। जब उसे फिर से अपने आसपास का एहसास हुआ तो वह पहले से ही एक हॉल में थी। हॉल में कई आकृतियां बादल के बिस्तर पर एक साथ बैठी थी। बीच में मास्टर येज़ेवेन सम्राट वू थे। उसके बगल में कई लोग थे जो बहुत शक्तिशाली और ऊंचे दिखते थे। सबसे अलग, भले ही उसने अभ्यास न किया हो, वह देख सकती है कि ये लोग उन हजारों लोगों से बिल्कुल अलग हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। वह अभी भी अकेला महसूस करके स्पष्ट रूप से देख सकती है। वह नहीं कह सकती कि यह कैसा एहसास है। उसे बस यही लगता है कि यहाँ बैठे ये लोग स्वर्ग और पृथ्वी के एकमात्र स्वामी और पूरे ब्रह्मांड के केंद्र की तरह हैं। ये लोग दूसरे नहीं हैं। वे मनुष्य के सम्राट फैंगई, डेन सम्राट और ज़ेंटियन लेहुआंग हैं, जो अब बुज़ो पर्वत पर हैं। एक ही समय में इतने सारे सम्राट पहरा दे रहे हैं। बुज़ो पर्वत सच्चे अर्थों में टेहरान का पवित्र पर्वत है। यह एक अटूट किला है। जब तक आप ये ज़िविन जैसे क्रूर लोगों से नहीं मिलते, तब तक अपनी सुरक्षा करना कोई कठिनाई नहीं है। ज़ियाओयू यहाँ है। मैंने सबसे पहले आपके मार्शल चाचाओं और चाचाओं को देखा है, ये ज़िविन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बियान ज़ियाओयू को नहीं पता था कि ये लोग कौन थे, फिर भी वह जानती थी कि क्या करना है और जल्दी से झुक गई। ज़ियाओयू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मार्शल अंकल, मार्शल अंकल। उठो, विनम्र मत बनो। जब फैंगई ने अपना हाथ उठाया तो बियान ज़ियाओयू को खुद को संभालने के लिए एक नर्म शक्ति महसूस हुई और वह अनायास ही उठ खड़ी हुई। उनके चेहरों में कोई बदलाव नहीं आया। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि ये ज़िविन ने बियान ज़ियाओयू को प्रशिक्षु के रूप में क्यों स्वीकार किया। वे एक नजर में बियान ज़ियाओयू की जड़ों को देख सकते थे। यह अच्छा है, लेकिन वास्तव में यह अच्छा ही है। हालांकि यह उत्कृष्ट है, ये ज़िविन के दिव्य दरबार में इस श्रेणी की कुछ प्रतिभाएं हैं और ये ज़िविन का शिष्यों को स्वीकार करने का कार्य कभी नहीं देखा गया है। जहां तक सुंदर होने की बात है तो यह उनके विचार के दायरे में नहीं है, क्योंकि सुंदर होना स्वीकार किया जाएगा। यह एक मजाक है। सम्राट के शिष्य स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से भिन्न होते हैं।
वे उन्हें अंधाधुंध एकत्र नहीं करेंगे, अन्यथा सड़कों पर पानी भर जाएगा। ये ज़िवेन ने स्वाभाविक रूप से उनके दिलों में संदेह देखा। सामान्य परिस्थितियों में वह वास्तव में शिष्यों की अंधाधुंध भर्ती नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने कुछ देर सोचा और वही कहा जो उन्होंने देखा और सुना था और कुछ पिछले अनुमान भी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो मुझे लगता है कि उसका मेरे पुराने दोस्त के साथ कुछ संबंध हो सकता है। यदि हाँ, यहाँ तक कि बयान ज़ियाओयू के अर्थ को भी नहीं छिपाया, क्योंकि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। इस समय बयान ज़ियाओयू को पहली बार पता चला कि ये ज़िवेन खुद को प्रशिक्षु के रूप में क्यों लेना चाहता था। वह नहीं जानती कि ये ज़िवेन कौन है, लेकिन वह असाधारण होगी। इतने बड़े आदमी के लिए उसे प्रशिक्षु के रूप में लेना इतना उचित नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। क्या मैं वास्तव में वही मेघ पुनर्जन्म हूँ? बयान ज़ियाओयू के दिल में कुछ संदेह थे, जो ये ज़िवेन की तरह जीवन और मृत्यु को देखने वाले सम्राट से अलग था। कई लोक कथाओं में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म अपने आप में एक सामान्य बात है। जीव की मृत्यु के बाद विभिन्न तरीकों से उसका पुनर्जन्म होगा। यह अपने आप में उनके मन का सामान्य ज्ञान था, अतः उसे स्वीकार करना ही सर्वोत्तम है। हालांकि सम्राट जैसे कई लोगों के लिए ये निस्संदेह उनके संज्ञानात्मक अस्तित्व को नष्ट कर देता है। हालांकि मृत्यु के नियम के बारे में उनकी समझ गहरी नहीं है और ये ज़िवेन के साथ तुलना करने से बहुत दूर है, फिर भी उनके पास कुछ बुनियादी अनुभूति है। युआन भगवान का पुनर्जन्म और पुनरुद्धार सिर्फ एक साधन और एक दिव्य शक्ति है। यह युआन भगवान के विनाश के बाद वास्तविक अर्थों में पुनर्जन्म जैसा नहीं है। यदि इसका भी पुनर्जन्म हो सकता है, तो माध्यम के रूप में इसका पुनर्जन्म वास्तव में क्या है? मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमने नहीं सीखा है, या यह एक संयोग है। दुनिया में सभी प्रकार के आश्चर्य हैं। हम अपनी क्षमता से सब कुछ नहीं जान सकते। शायद केवल सृष्टि का भगवान ही वास्तव में सब कुछ समझ सकता है, फेंग यी ने अंततः कहा। सम्राटों के बीच भी यह कहावत बाजार में है कि रचयिता सर्वज्ञ है। यह इतिहास में सबसे मजबूत है। उनके बाद कोई भी उस दायरे में कदम नहीं रख सकता। जब वे जासूसी नहीं कर सकते, तो कई अनुमान पैदा होने चाहिए। इसके अलावा भाग्य के देवता ने ऐसी अफवाहों को कभी नहीं रोका। इसके विपरीत इसने केवल आग की लपटों में योगदान दिया, जिससे ये कथन और भी शोरगुल वाला हो गया। ये ज़िवेन भी इस कथन के बारे में अनिच्छुक है, क्योंकि वह अनुमान नहीं लगा सकते कि यह क्या है। वह जितना अधिक ऑनलाइन अभ्यास करता है, उतना अधिक वह जानता है। यदि वह वास्तव में एक निश्चित चरण तक पहुंच जाता है, तो शायद वह सब कुछ जान सकता है। वैसे भी ये छोटा लड़का मेरे लिए किस्मत में है, इसलिए मैंने उसे स्वीकार कर लिया। वह सृष्टि के भगवान में मेरी पहली शिष्या होगी, ये ज़िवेन ने कहा। कई लोगों के चेहरे गरिमापूर्ण थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि एक ही नस की विरासत के लिए पहाड़ खोलने वाले पहले शिष्य और समापन शिष्य का अर्थ बिल्कुल अलग था। पहला उन लोगों का दायित्व लेता है जो वंश को आगे बढ़ाएंगे, और बाद वाले को विरासत में मिलती है, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। मेरे पास आपको पहली बार देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह एक गोली है। जब तक आप उपदेश नहीं देते, तब तक ये बहुत उपयोगी है। मैं इसे तोड़ दूंगा और इसे आपके शरीर में फैला दूंगा, ताकि आप इसे अवशोषित कर सके, दंती ने कहा। उसके हाथ में एक गोली थी, जिससे तेज दवा निकल रही थी। तभी उसकी हथेली हल्की सी कांपी। पूरी गोली की दवा को बाहर निकाला गया, एक प्रकाश में बदल दिया गया और सीधे बयान ज़ियाओयू के शरीर में उड़ गया। बयान ज़ियाओयू को अचानक अपने शरीर में गर्म धारा प्रवाहित महसूस हुई, लेकिन उसने कोई कौशल नहीं सीखा और इसे अवशोषित नहीं कर सकी। अगर वह सीधे गोली की शक्ति को अवशोषित कर लेती, तो मुझे डर है कि वह मौके पर ही फट जाएगी। ये ज़िवेन ने इसे नहीं रोका। कीमिया के मामले में भी वह स्वयं को हीन समझता था। हालांकि उनका शोध भी बहुत गहरा था, लेकिन आखिरकार यह और भी बुरा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जब कला उद्योग में विशेषज्ञता थी। हम मार्शल चाचाओं और चाचाओं ने वास्तव में तैयारी नहीं की है। ये तीन गड़गड़ाहट मूल गेंदे हैं जो आपको दी गई है। जब खतरे में हो तो उन्हें बाहर फेंक दे। यहाँ तक कि सम्राट भी घायल हो जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण समय से पहले उन्हें हल्के में न ले। ये वज सम्राट है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल एक कवच है। मुझे यह मेरे शुरुआती वर्षों में मिला था, लेकिन यह महिलाओं का है, इसलिए मैं बेकार हो गया हूँ। अब मैं इसे तुम्हें देता हूँ। जैसे ही फेंग यी ने अपना हाथ हिलाया, कवच का एक टुकड़ा बयान ज़ियाओयू से जुड़ गया। लेकिन यह एक महिला का कवच था, जो चंद्रमा की सफेद चमक के साथ बह रहा था, जो बहुत अजीब था। ये शरीर पर बेढंगा नहीं लग रहा था। इसके विपरीत इसने बयान ज़ियाओयू की अवतल और उत्तल आकृति को भी रेखांकित किया, और फेंग यी ने भी इसे परिष्कृत किया।
बियान ज़ियाओयू इसे मौके पर ही उपयोग कर सकता है। अगर वह इसे पढ़ेगा तो यह उसके शरीर में समा जाएगा। उस स्थिति में मैं तुम्हें एक मानव सम्राट का आदेश दूंगा। यह मुझे मेरे शिक्षक सम्राट सुई द्वारा दिया गया था। तेहरान के प्रभाव क्षेत्र के भीतर लोगों को देखने जैसे आदेश देखने से आप बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। इसके अलावा यह आपकी मदद करने के लिए सम्राट सुई के दिमाग के एक बुद्धिमान व्यक्ति को 3 बार बुलाया जा सकता है। यह एक अच्छा गैजेट है। मैंने उन वर्षों में इसका उपयोग नहीं किया था और अब मैं इसे आपको देता हूँ। जैसे ही सम्राट ने हाथ हिलाया, एक नारंगी टोकन सीधे उड़कर बियान ज़ियाओयू के हाथ में आ गया। बियान ज़ियाओयू ने उसके हाथ में नारंगी टोकन को देखा। यह एक चरित्र के साथ लिखा गया था। यह सजीव था। ऐसा लग रहा था कि वह जीना चाहती है। वह वास्तव में समझ नहीं पाई कि मानव सम्राट और चकमक सम्राट का क्या मतलब है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। उसने ये ज़िवेन की ओर देखा और उसकी आंखों से पूछताछ का कुछ अर्थ पता चला और वह नहीं जानती थी कि इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसे न तो रोका गया और न ही इसकी आवश्यकता थी। ये चीजें बेशकीमती थी, लेकिन आखिरकार ये केवल गैजेट थी। इन सम्राटों के लिए वे वास्तव में कुछ भी नहीं थे और उन्हें ले सकते थे। चूंकि उन सभी ने इसे दिया है, मैं भी तुम्हें एक उपहार दूंगा। ये ताइहुआन तलवार आपकी आत्मरक्षा के लिए है। हालांकि अपनी वर्तमान क्षमता के साथ आप ताइहुआन तलवार की शक्ति को पूरा मौका नहीं दे सकते, इसलिए मैंने मुहर लगा दी उसे। भविष्य में आपकी ताकत में सुधार के साथ उसकी सील खुलती रहेगी। हमेशा एक समय आएगा जब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये शीकी ताइहुआन तलवार अचानक उड़ गई, तलवार की रोशनी में बदल गई और बियान ज़ियाओयू के शरीर में गायब हो गई। धन्यवाद सर, धन्यवाद मार्शल चाचाओं और चाचाओं, बियान ज़ियाओयू ने जल्दी से झुककर कहा। वह ताइहुआन तलवार का वजन नहीं जानती, लेकिन अन्य सम्राट इसे जानते हैं। यह एक ताओवादी वाद्य यंत्र है। आखिरकार ये स्वर्ग की दुनिया से अलग है। केवल सर्वश्रेष्ठ मिशनरी ही ताओवादी उपकरणों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मानव जाति के बीच सृष्टि के देवता का इतना विशेष सम्मान किसी के पास नहीं है, क्योंकि मानव जाति के पास कोई अनावश्यक ताओ उपकरण नहीं है। हालांकि तुम ज़िवेन के लिए ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उसके पास बहुत सारे ताओवादी वाद्य यंत्र हैं। जिन स्थानीय तानाशाहों को हम कहते हैं, वे उसके जैसे ही हैं। उसके द्वारा मारे गए कई सम्राट हैं, इसलिए उसके हाथों में कई ताओवादी हथियार हैं, जो एक प्रदर्शनी खोलने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वह उनमें से केवल कुछ का ही उपयोग कर सकता है, बाकी कोई बर्बादी नहीं है। वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए उन्हें बियान ज़ियाओयू को देता है। इस संबंध में वह हमेशा कंजूस नहीं रहे हैं। लिटिल क्रिसेंट मून का जन्म उसके शरीर की रक्षा के लिए प्राचीन ताओवादी कपड़ों के साथ हुआ था, जो इस प्रकार है। ठीक है, ये चीजें जो हमने आपको दी हैं, वे आपके लिए नहीं है कि आप उन पर हमला कर सके। वे आपको सिर्फ एक ताबीज देते हैं। यदि आप उनका उपयोग अपराध करने के लिए करते हैं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये ज़िवेन ने याद दिलाया। हाँ मास्टर, बियान ज़ियाओयू ने तुरंत उत्तर दिया। वैसे इस अवधि के लिए दौरा बंद कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि कोई खबर है या नहीं। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है, दांते ने अचानक कहा। क्या खबर है, ये ज़िवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। वह वास्तव में बंद था और कुछ भी नहीं जानता था। सृजन का मार्ग फिर से खुलने का समाचार, सृजन का मार्ग फिर से खुलने का समाचार। डैन डी के शब्दों ने ये ज़िवेन का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया। सम्राट ज़ेंटियन और सम्राट लेई जैसे लोगों के लिए जो सृजन की दुनिया में पैदा हुए और पले बढ़े, ये ज़िवेन और डैंडी सृजन के रास्ते से आए थे। यद्यपि फैंगी सृष्टि की दुनिया के मूल निवासी नहीं थे, उन्हें उस समय गुप्त विधि से चकमक सम्राट द्वारा लाया गया था। वह सृजन के मार्ग से चला ही नहीं था। दरअसल वो पलक झपकते ही सृजन की दुनिया में आ गया था और उसे सृजन के रास्ते की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। तो केवल ये ज़िवेन ही जवाब देंगे। क्या सृजन का मार्ग फिर से कैसे खुल गया, ये ज़िवेन ने तुरंत पूछा। ये ज़िवेन भाग्य की राह के प्रति अत्यधिक जुनूनी थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। हुन्योवान सम्राट के एक अलग दल ने उसे पीटा और भाग गया। हुन्योवान सम्राट ने उसे लगभग जिंदा ही खा लिया था, जो उसकी लालची सांसों का पोषण बन गया। ये ज़िवेन हमेशा प्रतिशोध के प्रतिशोध पर ध्यान देती है। वह इतने बड़े नुकसान की सूचना कैसे नहीं दे सकते। हालांकि पहले वह भाग रहा था। मुझे डर है कि वह हुन्योवान सम्राट का अलग प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसके अलावा सम्राट पेन के पुनर्जन्म ने भी उन्हें सम्राट के स्तर पर स्वामी के आतंक को गहराई से समझा।
उन्होंने अनुमान लगाया कि हुनयुवान के सम्राट ने संभवतः उस स्तर पर कदम रखा था। यदि सम्राट पेन को इस तरह दबाया भी गया तो भी वह जल्द ही मर जाएगा। एक बार जब ये सचमुच भड़क गया तो सम्राट को मारना मुर्गे को मसलने से अलग नहीं था। हालांकि सातवें दायरे से ऊपर कोई अस्तित्व नहीं है, ये जिविन जोखिम नहीं लेंगे। यदि सचमुच उसके पास वह शक्ति है तो यह निस्संदेह बहुत खतरनाक होगी। इसलिए ये जिविन ने कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया, और अगर उसने ऐसा किया भी तो ये बेकार है। कोई नहीं जानता कि सृजन का मार्ग कहां और कब खुला है, लेकिन अन्य लोगों से लोग सृजन के मार्ग से गुजरने के लिए सृजन की दुनिया में आते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि सृजन का मार्ग कहां है, जैसे कि यह इस आयाम में बिल्कुल भी नहीं है, इस आयाम में मौजूद नहीं है। सृजन की दुनिया में सृजन का मार्ग इतना प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि यह अन्य मंडलियों के लिए सृजन की दुनिया तक जाने का एकमात्र रास्ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा जाता है कि इसमें भाग्य का रहस्य छिपा है। उस वर्ष भाग्य के सम्राट को इसमें भाग्य मिला और अंततः अजय गदाय का स्वामी बन गया। सृष्टि की दुनिया में तबाही मचाने वाले सभी आउटलैंड प्राणियों को सीमा पर खदेड़ दिया गया था और वे अब सृष्टि के देवता राजवंश में हलचल नहीं मचा सकते। ऐसे उदाहरण से यह कल्पना की जा सकती है कि सृष्टि के मार्ग ने सृष्टि के देव वंश में लोगों को आकर्षित किया है। ये कहा जा सकता है कि कोई भी जाना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए जिवेन, सृजन का मार्ग फिर से खुलने का मतलब ये हो सकता है कि हम स्वर्ग की दुनिया में लौट सकते हैं। सृजन के मार्ग की अनिश्चितता के कारण हमेशा बाहर के सम्राट ही रहे हैं जो सृजन के मार्ग का आह्वान प्राप्त करने के बाद सृजन के भगवान के पास आए, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी सुना हो कि कोई वापस लौट सकता है, या ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं था। सच्चाई के सामने ये ठीक इसी वजह से है कि कई विदेशी सम्राट यहाँ सुरक्षित रूप से अभ्यास कर सकते हैं, सिवाय इसके कि वे सृष्टि के देवता में उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मैं वापस नहीं जा सकता। आगे पीछे गेट से कब जाना है, ये समाचार सृष्टि के परमेश्वर की ओर से आता है, दांते ने कहा। ऐसा कहा जाता है कि यह हजारों साल पहले प्रकट हुआ था, लेकिन यह व्यापक रूप से खुला नहीं है, लेकिन पहले की तरह यह सिर्फ एक दरार है। केवल सम्राट ही प्रवेश कर सकता है। एक बार जब सम्राट प्रवेश करता है तो उस पर कानून के अनुसार पलटवार किया जाएगा सृजन की सड़क। इस खबर की कई लोगों ने पुष्टि की है। सृजन के देवता और आउटलैंड दोनों आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सृष्टि के मार्ग का नियम स्वर्ग के स्तर के लोगों को प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं देता, ये जिवेन ने पूछा। दांते ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम इसके बारे में नहीं जानते। ऐसा कहा जाता है कि उनके प्रारंभिक वर्षों में स्वर्गीय भगवान इसमें प्रवेश करने में सक्षम थे। उस समय सृष्टि के स्वर्गीय राजा ने इसमें प्रवेश किया और पौराणिक रचना प्राप्त की, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता कि कैसे। सभी स्वर्गीय स्वामी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी अफवाह भी है कि कुछ स्वर्गीय स्वामी इसमें फंस गए हैं और बाहर नहीं आते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह खबर सच है या नहीं। झूठ, आइए इसे बनाएं। दिव्य राजवंश को बदलने में बहुत देर हो चुकी है। कई चीजें सिर्फ किंवदंतियां हैं। उद्धरण चिन्ह, लोगों के सम्राट फैनगई परिवार और ज़ेंटियन वज सम्राट ने भी एक दूसरे को देखा। वे सभी सम्राट थे, लेकिन सम्राटों के बीच उन्हें अधिक से अधिक छोटे पात्र ही माना जा सकता था। युद्ध सम्राट बड़ा बुजुर्ग था, तो इनके लिए वे वास्तव में दांते से अधिक कुछ नहीं जानते हैं। सम्राट इसमें फंस गए, ये जिवेन की पलकें अचानक उछल गईं, क्योंकि उन्हें अचानक लगा कि यह अफवाह उनके पिछले अनुमान से मेल खाती है कि हुनयुवान सम्राट ने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम रखा था। दूसरे शब्दों में, यदि अफवाह सच है तो हुनयुवान सम्राट के तियानजुन के इसमें फंसने की संभावना है, लेकिन ये जिवेन को समझ नहीं आ रहा है कि सृजन की राह में इतने बड़े बदलाव क्यों हुए हैं ताकि तियानजुन इसमें फंस जाए। इसके अलावा हुनयुवान सम्राट ने किस माध्यम से स्वर्ग और दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप किया, और अगर फंस गया तो उसका नाम कहाँ होगा। उसके मन में इतनी शंकाएं थी कि वह एक क्षण के लिए भी स्पष्ट बोल न सका। और समय की गणना करें, यदि यह हजारों साल पहले था तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह तूफान समुद्री क्षेत्र और तूफान शहर में उसका समय था। पिछले तूफान शहर के साथ संयुक्त ये स्पष्ट था कि एक युद्ध आसन था, लेकिन युद्ध सम्राट तैयार था तूफान समुद्री क्षेत्र छोड़े। क्या इसका कुछ हद तक संबंध होगा। दरअसल युद्ध सम्राट इस मामले से निपटने के लिए चले गए। इसके अलावा युद्ध सम्राट ने उसे रेंजो में रहने, अधिक तैयारी करने और समाचार की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। यदि ये जुड़े हुए हैं तो युद्ध सम्राट ने उससे जो कहा वह सृजन के मार्ग को फिर से खोलना है। ऐसा लगता है कि यह खबर सृष्टि के देवता को सुबह ही पता चल जानी चाहिए थी,
लेकिन मुझे नहीं पता कि यह हाल ही में पूरे सृष्टि के भगवान में क्यों फैल गई है। सृष्टि के रचयिता ईश्वर का रहस्य कोई नहीं जानता। उन्हें विश्वास नहीं है कि यह अनजाने में सामने आ जाएगा। यदि सृष्टि के ईश्वर का रहस्य इतना ही है तो मुझे डर है कि यह लोगों द्वारा पूरी तरह से भेद लिया गया होगा। लेकिन अगर कोई साजिश है तो उसे भी सार्वजनिक साजिश ही माना जाना चाहिए। भले ही आप जानते हो कि इसमें क्या अजीब है, मुझे डर है कि बहुत से लोग ऐसे प्रलोभन से इनकार नहीं कर सकते। कोई भी यह जानना नहीं चाहता कि यह कैसी अफवाह है कि भाग्य का सम्राट भाग्यशाली था। जब ये ज़िवेन इसके बारे में सोचता है तो उसे बहुत सिरदर्द महसूस होता है, क्योंकि उसके पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं है। यह उथली जानकारी का नुकसान है। भले ही सृष्टि के देवता राजवंश की मानव जाति का इतिहास सृष्टि के संपूर्ण देवता राजवंश के इतिहास की तुलना में समुद्र में एक बूंद मात्र है, यदि वे वास्तव में एक लंबे इतिहास वाले दिग्गज हैं, तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड हो सकते हैं। हम कर सकते हैं इन अभिलेखों से कुछ उपयोगी बातों का विश्लेषण करें। मुझे डर है कि इसमें कुछ अजीब है। ये ज़िवेन ने दांते की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत सही है। यदि दरार वाला प्रवेश द्वार हजारों साल पहले पाया गया था तो वास्तव में इसकी घोषणा अब क्यों की गई है? दांते ने कहा कि वह अभी तक चकित नहीं हुआ है। स्वाभाविक रूप से उसका अभी भी अपना निर्णय था, लेकिन ताओवादी भाई वास्तव में जाना चाहता है, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। डैन डी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उस स्थान पर कौन नहीं जाना चाहता जहाँ किंवदंती में भाग्य प्राप्त किया गया था। जब हम पहले भाग्य की सड़क से गुजरे थे तो हमें नहीं पता था कि यह क्या था। हमें बस बहुत बुरा लगा। अब हम जानते हैं, हम इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? क्या कोई बड़ी भयावहता है? बादशाह ने अचानक टोकते हुए पूछा, सृष्टि के मार्ग में कितना बड़ा आतंक हो सकता है? वो एक नया सम्राट था और उसने ये ज़िवेन और डैन डी की तरह सृजन की राह का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था, अतः उसे ये सब मालूम नहीं था, इसलिए उसने पूछा। ये ज़िवेन ने कहा, मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र दांडी के साथ जो हुआ वह मेरे जैसा ही है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अचानक कई लोगों ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली। तो ज़िवेन ने जो वर्णन किया वह वास्तव में भयानक था। इन सम्राटों के लिए ऐसी कुछ चीजें थी जो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी पर भयभीत कर सकती थी। सम्राट डैन द्वारा वर्णित महान आतंक की तो बात ही छोड़ दे, कौन सा महान आतंक सम्राटों को भयभीत कर सकता है? और अब वे अंततः समझ गए हैं। तुम्हारा मतलब है, भाग्य की राह पर किसी ने शिकार किया और सम्राट को मार डाला और सम्राट को खा लिया? सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी की और अकल्पनीय ढंग से कहा, अगर कोई यह कहता तो उसे विश्वास नहीं होता अगर उसने उसे मार डाला, लेकिन ये शिविन के मुंह से यह कहना दूसरी बात थी। यदि तू ज़िवेन ने जो कहा वह सच है तो ये बात वास्तव में भयानक है। वे पहले से ही हजारों प्राणियों में शीर्ष पर हैं और कुछ लोग सम्राटों का शिकार करने और उन्हें मारने या यहाँ तक कि सम्राटों को खिलाने का साहस करते हैं। इसने उनके तीन दृष्टिकोणों को पूरी तरह से विकृत कर दिया है। कितना भयानक अस्तित्व है वहाँ का। डैन डी भी चिंतित दिख रहे थे और उन्होंने कहा, सम्राट हु के ताओवादी मित्रों के साथ जो हुआ उसका मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मुझे उस समय एक बेहद खतरनाक एहसास हुआ, इसलिए मैंने लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चला गया, लेकिन मैंने अपने जीवन में उस भावना को भूलने की हिम्मत नहीं की। शायद ये सम्राट वू के ताओवादी मित्रों द्वारा वर्णित हुन्युवान सम्राट था। तो ये सच नहीं है कि महान भगवान सृजन के रास्ते में फंस गए थे? वज्र सम्राट ने अचानक कहा और अचानक उसके पूरे शरीर में कपकपी महसूस हुई और उसकी पीठ ठंडी हो गई। अंदर जमीन को जो हुआ उसने सम्राट को असहाय बना दिया। मैं इसे देखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बेहतर होगा कि मैं न जाऊं। मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक है। सृष्टि के मार्ग का रहस्य क्या है? समय ने बहुत सी चीजें दफन कर दी है। मुझे डर है कि सृष्टि के ईश्वर को छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं जानते, ये ज़िवेन ने डर के साथ कहा। ये ज़िवेन के मन में हजारों भावनाएं घूम गई। सृजन की राह में न जाने कितने रहस्य दफन थे। यहाँ तक कि सृष्टि की दुनिया की उत्पत्ति का भी सृजन के मार्ग से बहुत कुछ लेना देना प्रतीत होता है। क्या सृजन का मार्ग अब खुला है? ये ज़िवेन ने पूछा। इसमें अभी 100 साल लगेंगे। अभी तो बस एक छोटी सी दरार बची है। लोग अंदर जा ही नहीं सकते। दूसरे लोगों की गणना के अनुसार इसे आकार लेने में सैकड़ों साल लग सकते हैं, दांते ने कहा। ये ज़िवेन ने रुककर पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस बार दरार कहाँ है? ये सृष्टि के देवता में नहीं बल्कि उत्तर में अंधेरे समुद्र में है, दांते ने कहा। ये वहाँ कैसे हो सकता है? ये परेशानी होगी, बादशाह ने अचानक भौहें सिकुड़ कर कहा।
ये ज़िवेन के मन में पाताल लोक के समुद्री क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारी जानकारी थी। सृष्टि के देवता के चारों ओर तूफानी समुद्री क्षेत्र पूर्व में है, जबकि पाताल का समुद्री क्षेत्र उत्तर में है। दक्षिण और पश्चिम में यह कोई समुद्री क्षेत्र नहीं बल्कि एक विशाल महाद्वीप है जो सृष्टि के देवता से जुड़ा है, और यह एक ऐसी जगह भी है जहां काफी भयंकर युद्ध होता है। सृष्टि के देवता के आसपास युमिंग समुद्री क्षेत्र निस्संदेह सबसे अजीब और शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है कि युमिंग समुद्री क्षेत्र की कुल ताकत अधिक मजबूत है, बल्कि युमिंग समुद्री क्षेत्र अन्य स्थानों की तरह नहीं है। ये बिखरी हुई रेत की एक प्लेट है और इसमें कोई सामंजस्य नहीं है। पाताल लोक के समुद्री क्षेत्र में एक परम अस्तित्व है। पाताल लोक तियानजुन ने बहुत पहले से पाताल लोक के समुद्री क्षेत्र पर शासन किया था। अब उनके अस्तित्व को कम ही लोगों ने देखा है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ये पूरे आउटलैंड में प्रवेश करने के लिए सबसे कठिन जगह है। उसका अस्तित्व उस समय जैसा है जब प्रारंभिक वर्षों में सम्राट पेन ने तूफानी समुद्र पर शासन किया था, लेकिन अब सम्राट पेन गिर गया है, जबकि सम्राट युमिंग अभी भी जीवित है, जो एक दूसरे से बहुत दूर है। हालांकि वे नहीं जानते कि युमिंग सम्राट और पेन सम्राट के बीच कौन अधिक मजबूत है, ये वर्तमान स्थिति से आधा दिखाई दे रहा है। सिर्फ इस वजह से इसीलिए लोग चिंतित हैं कि अगर वे तूफान क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूफान क्षेत्र में कोई दैवीय स्तर नहीं है, या अगर है भी तो पूरे तूफानी समुद्री क्षेत्र को कोई भी पूरी तरह से एक नहीं कर सकता। लेकिन इस पाताल समुद्री क्षेत्र में मामला बिल्कुल अलग है। पाताल लोक का ईश्वर ही एकमात्र स्वामी और सर्वोच्च अस्तित्व है। यदि पाताल लोक में ईश्वर है तो दूसरों को कोई मौका नहीं मिलेगा। आउटलैंड प्राणियों की नाकाबंदी की परतों को तोड़ना आसान नहीं है। हाँ, मैं मौज मस्ती में शामिल होना चाहता था, लेकिन जब मैंने सोचा कि यह अंधेरे समुद्र में है, तो मैंने सोचा भले ही कोई मौका ना हो, अगर यह तूफानी समुद्र में होता तो मैं ड्रैगन के पूल का भी पता लगाने की हिम्मत करता और बाघ की मांद, लेकिन यहाँ आखिरकार मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन आप अलग हैं, आपकी ताकत के मामले में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दांती ने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा। हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और एक झटके में जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं है कि पाताल के समुद्री क्षेत्र में खतरे की कल्पना की जा सकती है। और अब क्या सचमुच वह सृजन की राह के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने जा रहा है? शुभ भविष्य। वह अच्छी तरह जानता है कि अब वह नौवें दायरे में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर है। सबसे सुरक्षित तरीका ईमानदारी से बंद करना है। सफलता के दिन की प्रतीक्षा में एक बार सफल होने पर वह दुनिया के सबसे मजबूत सर्वोच्च गुरुओं में से एक बन जाएगा और शीर्ष विशेषज्ञों की श्रेणी में कदम रखेगा। संचित समय पर्याप्त होने पर भी स्वर्गलोक अर्थात परम पुरुष में कदम रखने का मौका मिलेगा। हर चीज का मालिक। लेकिन उसके दिल के आवेग ने उससे कहा कि उसे नहीं पता कि सृजन की राह में दरार अगली बार कब आएगी। सृजन के देवता राजवंश में सृजन की सड़क पर आखिरी दर्ज दरार लाखों साल पहले दिखाई दी थी। सम्राट के लिए ये समय असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए ये समय बहुत दूर है। यह उसकी कल्पना से भी परे था। सृजन की राह में न केवल हुन्युवान सम्राट जैसे दुश्मन है, बल्कि पौराणिक रचना भी है। स्वर्गीय राजा के निर्माण के बाद वह अजेय चीजें हासिल करेगा। कोई भी दिल नहीं लगा सकता, वह सबसे मजबूत ज्ञात अस्तित्व है, कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं बनना चाहेगा। मैं जाऊंगा और इसे देखूंगा। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ये ज़िवेन ने दांते की ओर देखा और कहा। वह अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वह स्थान अंधेरे समुद्री क्षेत्र में है। मुझे डर है कि उस समय नाकाबंदी की परतें होंगी, और न केवल सम्राट वास्तव में उस समय दरार में प्रवेश कर सकता है, बल्कि बीच का नेता भी हो सकता है, सम्राट सातवें, आठवें और यहाँ तक कि नौवें भी। मुझे डर है कि यह बहुत दुर्लभ नहीं होगा। इस मामले में चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह वास्तव में महसूस नहीं कर सकता कि वह दुनिया में अजय को हरा सकता है। दांते एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, वैसे भी अभी भी 100 साल बाकी है। मेरे पास अभी भी धीरे धीरे सोचने का समय है। मैं उस समय डाउयू को बताऊंगा। ये 100 साल दांते का आखिरी संघर्ष होगा। वह अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। वह जाना चाहता है या नहीं। यदि वह गया तो सृजन के पद पर गिर सकता है। यदि वह न जाए तो द्वेख की बात है कि उसकी मूर्खतापूर्ण इच्छा पूरी न हो सकेगी। ठीक है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। दूसरों ने यह नहीं दिखाया कि वे जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इस बार ये ज़िवेन को अकेले जाना चाहिए। लेकिन तुम ज़िवेन को इसकी आदत है।
हर कोई खतरे को जानता था, इसलिए दांते झिझके और सभी ने सोचा कि यह सामान्य है। यहाँ तक कि उन्होंने सीधे जाने का इरादा ही तोड़ दिया। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वर्गीय भगवान के स्तर को बांधने वाले सर्वोच्च प्राणियों को दफनाया जा सकता है। यदि उन्हें बदला गया तो मुझे डर है कि वे अच्छे नहीं होंगे। कुछ देर बात करने के बाद वे एक के बाद एक तितर बितर हो गए और बुजो पर्वत पर अपने घरों को लौट गए। इस बार ये दो चीजें निस्संदेह उनके लिए बहुत चौंकाने वाली हैं, चाहे बियान शियाओयू का शरीर जीवन और मृत्यु के रहस्य के पुनर्जन्म से संबंधित हो, या भाग्य की सड़क पर भगवान के दफन के बारे में कई अफवाहें हो। ऐसा कहा जाता है कि वह स्थान जहां स्वर्गीय देवता निवास करते हैं और अंदर हांफते हैं ने तीनों दृष्टिकोणों को पूरी तरह से उलट दिया है। ऐसे मूड को शांत करने में भी कुछ समय लगता है। भीड़ के चले जाने के बाद ये जिवेन ने बियान जियाओयू को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पहले प्रशिक्षु के रूप में क्यों लिया था। मुझे पता है, लेकिन मेरे दिल में संदेह है। क्या ये सच है कि शिष्या मन्युन राजा की बेटी का पुनर्जन्म है? बियान शियाओयू अपने आश्चर्य और सदमे को छिपा नहीं सकी। हालांकि पुरानी पीढ़ी की किंवदंतियों में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म की बातें होती रही हैं, लेकिन आखिरकार यह महज एक अफवाह ही है। वास्तव में किसी ने भी इसे वास्तव में नहीं देखा है। पुनर्जन्म के बाद उसने कभी किसी को वापस आते नहीं देखा। वास्तव में हालांकि वह इस पर विश्वास करती है, सामान्य समय में इसे देखना असंभव है। हालांकि अब उसे एक संभावित उत्तर मिल गया है। इससे उसे झटका कैसे नहीं लग सकता। हाँ या नहीं, अब तो मैं भी अपने दिल में नहीं जानता, लेकिन ऐसा है या नहीं, एक बात आपको समझनी चाहिए। भले ही यह पुनर्जन्म हो, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या तुम हो और वह उसकी है। आखिरकार यह अलग है। हर जीवन को सबसे अद्भुत जीवन जीना चाहिए, एक खिलते हुए फूल की तरह। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले से ही एक फूल है? एक फूल की तरह क्या तुम खिलते नहीं हो? ये जिवेन बेहोश होकर कहा कि यहाँ तक कि वह भी नहीं जानता था कि बियान शियाओयू मन्युन का पुनर्जन्म था, इसलिए वह बियान शियाओयू को यह अनुमान नहीं बताएगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा ऐसा है, बियान जियाओयू ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समझ रही थी, लेकिन वह वास्तव में इसका सही अर्थ समझ सकती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। आखिरकार किंवदंती में पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति अन्य नहीं था, वह स्वयं थी, अन्य नहीं। ठीक है, चलिए इस पन्ने को पलटते हैं। यदि आपको भविष्य में कुछ भी समझ में न आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास इस संबंध में इतने सारे नियम नहीं है। सबसे बड़ा नियम शिक्षकों को धोखा देना और पूर्वजों को नष्ट करना नहीं है, ये जिवेन ने कहा। वास्तव में इस लेख का महत्व बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि उनकी वर्तमान ताकत के अनुसार भले ही पढ़ाए गए शिष्य शिक्षक को धोखा देना और अपने पूर्वजों को नष्ट करना चाहते हैं, ये बेकार है। उन्हें केवल थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जिससे उन्हें कोई खतरा होना असंभव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे नियम है। शिष्य समझता है कि शिष्य के पिता को गुरु ने बचाया था। शिष्य मवेशी और घोड़े बनाकर इसका बदला नहीं चुका सकता। उसकी गुरु को धमकाने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? बियान जियाओयू ने डर के मारे जल्दी से कहा। ये जिवेन अपनी हंसी नहीं रोक सकी और बोली, मूर्ख लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बैल और एक घोड़ा बनो। मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम अच्छी तरह से अभ्यास करो और मेरी विरासत को प्राप्त करो। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो तुम आप मेरे लिए सही है। ये जिवेन जैसे सम्राटों के लिए क्या बियान जियाओयू के लिए कोई प्रयास है? मास्टर के लिए सबसे बड़ा प्रयास अपने पद को प्राप्त करना, अपने एवेन्यू को आगे बढ़ाना और लिंटेल पर चमकना है। ये सबसे बड़ा इनाम है। हाँ मैं पूछता हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ? बियान जियाओयू ने ध्यान से देखा और ये जिवेन से पूछा। आप पूछना, ये जिवेन ने कहा। क्या गुरु मुझे जादुई कौशल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बियान जियाओयू ने कहा। आप वास्तव में अनुमान लगा सकते हैं, ये चतुर है। वास्तव में मैं वास्तव में आपको जादू कौशल सिखाने का इरादा रखता हूँ। हालांकि यह मेरे टेरान से अलग है, यह एक सर्वोच्च कौशल भी है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। भूत कबीले का समर्थन, सम्राट ने कहा, यह अपने आप में कोई अजीब बात नहीं है। भक्षण करने वाला राक्षस परिवार इतना शक्तिशाली है कि इसने अनगिनत वर्ष पहले 7 राज्यों की भूमि पर कब्जा कर लिया था। अंदर की जानकारी इतनी मजबूत है कि यह चारों ओर अजेय है। यहाँ तक कि टेरांस भी हाल ही में 4 राज्यों पर शासन करने के लिए उभरे हैं, जिनमें अन्य जातीय समूहों के सम्राट भी शामिल हैं। 10 से अधिक सम्राट हैं, भूत कबीले की तो बात ही छोड़ दे। लेकिन वे इतनी धीमी गति से कैसे आए, ये पूरी तरह से असामान्य है।
सामान्य परिस्थितियों में क्या आसपास 4 या 5 सम्राट नहीं होने चाहिए। जाहिर है इन लोगों को आकाशभक्षी राक्षस कुल की गहरी समझ है। ऐसे जातीय समूह के बगल में जो आपको किसी भी समय खा सकता है, वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन आकाश खाने वाले राक्षस कबीले की कुछ विशिष्ट स्थितियों को समझ सकते हैं। उनके संज्ञान में भूत परिवार का अत्याचार उससे कहीं अधिक होना चाहिए। अंत में राक्षस परिवार के सम्राट को, जिसे ये जिवेन ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, आखिरकार राहत मिली। उसने अंततः ये जिवेन को नीचे खींचने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जिस समय उसने आराम किया उस पर जानलेवा हमला किया जा चुका था। उसकी गर्दन पर तलवार की रोशनी पड़ी और तलवार की गैस तुरंत जल गई। वह उठने के लिए संघर्ष करने ही वाला था, लेकिन एक और तलवार की रोशनी आई और उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। गर्जन, वह दहाड़ता रहा और यहाँ तक कि उसे महसूस हो रहा था कि उसका युवानशेन जल रहा था और तलवार क्यूई द्वारा जला दिया गया था। तलवार क्यूई में मौजूद दुष्ट क्यूई लगातार उसके युवानशेन को नष्ट कर रहा था। इस तरह वह जीवन से क्षीण हो जाएगा और बहुत पहले ही मर जाएगा। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था। वह केवल तुम जिवेन को असहाय रूप से देख सकता था। ये किसी काम का नहीं। जल्द ही दूरी में 2 आकृतियां आ गईं और एक पहले जैसी ही थी। वे सभी आकाश खाने वाले दानव परिवार के समान सम्राट हैं, केवल ये जिवेन द्वारा पराजित 2 के साथ तुलना की जाती है। ताकत अधिक शक्तिशाली है और 7वें दायरे के स्तर तक पहुंच गई है। सम्राटों के बीच भी यह एक महान शक्ति है। आकाशभक्षी राक्षसों के बीच भले ही कई सम्राट हो, इसे नंबर पर रैंक करने में सक्षम होना चाहिए था। उसके बगल में यह एक भेड़िया है, क्रिस्टल से भरा एक भयंकर भेड़िया। वह अकल्पनीय भय के साथ वहीं पड़ा रहा, मानो पूरा आकाश उसे निगल जाएगा। उस अलसाई सांस ने न केवल उसका स्को कम नहीं किया, बल्कि उसे और भी भयानक बना दिया। यह एक क्रिस्टल भेड़िया सम्राट है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत याद आया कि क्रिस्टल भेड़िया सम्राट कहां से आया था। ये क्रिस्टल भेड़िया सम्राट आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज का भेड़िया है। उन वर्षों में स्थिति आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों के साथ हर जगह लड़ने के लिए आई थी। बाद में वह सम्राट भी बना। इस क्रिस्टल भेड़िया सम्राट ने कई वर्षों तक गोली नहीं चलाई है और यहां तक कि शायद ही कभी दिखाई दिया हो। इसलिए बाहरी दुनिया उसकी ताकत के बारे में अटकलें लगा रही है, लेकिन कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि उसके पास किस तरह की ताकत है। कुछ लोग कहते हैं कि वह 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अन्य लोग कहते हैं कि यह इतना भयानक नहीं है, लेकिन उसने लंबे समय से ऐसा नहीं किया है, इसलिए ये सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि जब तुम जिवेन वास्तव में उसके सामने खड़े थे, तो हम देख सकते हैं कि यह 8वें क्षेत्र का अस्तित्व भी है, जो वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। हालांकि ये जिवेन आश्चर्यचकित थे कि 7 राज्यों पर हावी होने की राक्षस परिवार की शक्ति सिर्फ इस हद तक नहीं होनी चाहिए। इतनी देर तक संघर्ष करने के बाद जिनको खबर मिलनी चाहिए थी, उनको भी मिलनी चाहिए थी। यहाँ तक कि बाहर का सम्राट भी हैरान था, राक्षस परिवार के सम्राट की तो बात ही छोड़िए। हालांकि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट जैसे कई विशेषज्ञ हैं जो उसे रोकने के लिए आए थे, वे वास्तव में 2 और 3 में हैं। ये पौराणिक आकाश खाने वाले दानव परिवार की ताकत के साथ पूरी तरह से असंगत है। टेरान, तुम इतने साहसी हो कि तुम यहाँ सेंध लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य खत्म हो गया है। आज ये तुम्हारी कब्र बन जाएगी। क्रिस्टल भेड़िया सम्राट ने ठंड से अपने दांत काटे और उसकी ओर ठंड से देखा। तुम्हारे कारण टेरान नष्ट हो जाएगा। क्रिस्टल भेड़िया सम्राट के बगल में आकाश के सम्राट ने दानव परिवार को निगल लिया, उदासीनता से कहा, खासकर जब उसने ये जिवेन के चरणों में 5वें क्षेत्र में आकाश के सम्राट द्वारा दानव परिवार को निगलने की त्रासदी देखी और लगातार जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। तलवार, वह क्रोधित था और उसे बस यह महसूस हुआ कि उसके चारों ओर फैली हत्यारी भावना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आप हमें बंद करना चाहते थे। सैकड़ों अरब लोगों को रक्त भोजन के रूप में आपके लिए योगदान करना होगा। वास्तव में आप में बड़ी भूख है। ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, शांत दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से पता चला कि उसके सीने में हत्या का इरादा खत्म नहीं हुआ था। इसमें गलत क्या है? आज की दुनिया में जंगल का कानून कहाँ नहीं है? कमजोर लोग स्वाभाविक रूप से हमारे मजबूत परिवारों का खून का भोजन बन जाएंगे और हमारी ताकत में अपना योगदान देंगे। भूत परिवार के सम्राट ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, लेकिन इसे हल्के में लिया। जंगल का कानून, जंगल का कैसा कानून, कैसा धर्मात्मा आदमी। ये जिवेन मुस्कुराए।
अब तक। वह थोड़ा क्रोधित था और मुस्कुराया और कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार मैं आपसे बेहतर हूँ। क्या आप अपनी संपत्ति का योगदान करने और मेरे लिए गाय और घोड़ा बनने के लायक नहीं है? बोर्ड, तुम क्या हो? तुम मेरे परिवार को गुलाम बनाना चाहते हो? भूत कबीले के सम्राट ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली और क्रोधित हो गए। हम इसे भूल जाओ, तुम दोनों मृत लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। तुम्हारे आकाश में राक्षस परिवार खाने वाले केवल इतने सारे लोग नहीं होने चाहिए। इतने बड़े आकाश में केवल इतने सारे सम्राट हैं, राक्षस परिवार को खा रहा हूँ। दूसरों के बारे में क्या? ये जिवेन ने पूछा। अकेले संख्या के मामले में ये टेरांस से ज्यादा बेहतर नहीं है। बेशक गुणवत्ता के मामले में ये टेरांस से काफी बेहतर है। ये जिवेन के मुंह में मृत आदमी शब्द सुनकर क्रिस्टल भेड़िया सम्राट की आंखें भी भयानक हत्या के इरादे से फूट गईं। उसने ये जिवेन को घूर कर देखा और अपना मुंह उदासीनता से खोला। युवा आदमी, बहुत अहंकारी मत बनो। जब मैं दुनिया भर में भागा तो तुम्हारा चकमक पत्थर सम्राट दिखाई नहीं दिया। क्या होगा यदि आप लंबे समय तक जीवित रहे? ये सिर्फ समय की बर्बादी है। आप लंबे समय तक जीवित रहे हैं, आप केवल पुराने पर भरोसा करना और पुराने को बेचना जानते हैं। क्या आप शर्मिंदा होना नहीं जानते? ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। दुल्लुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंकी कीर्दंती http://www.bikhujazw.com/0_48/ क्रिस्टल वुल्फ सम्राट टेन खड़ा हो गया और अपने हत्या के इरादे को और नहीं छिपा सका। उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि बूढ़ा होना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। ये जिवेन बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराए, फिर उसकी ओर देखा और कहा, क्यों, क्या केवल इतने ही लोग हैं? क्या कोई और सहारा नहीं है? क्या आप अब भी चाहते हैं कि हमारे परिवार के अन्य विशेषज्ञ आपको घेर लें और दबा दें? बस हम दोनों ही काफी हैं, भूत परिवार के सम्राट ने गुस्से में कहा। ये जिवेन के शब्दों की बार बार उपेक्षा ने उनके गुस्से को बेकाबू कर दिया। मुझे बस इस बात का डर है कि इतने कम लोग मारने के लिए काफी नहीं है। ये जिवेन ने लापरवाही से कुछ कहा और इस समय वह अंततः चले गए और बाहर निकल गए। शैतान के पंख सीधे उसके पीछे फैल गए। एक क्षण में वह उड़ गया। एक पल में वह राक्षस परिवार के सम्राट के पास पहुंच गया। राक्षस कुल का सम्राट और भी अधिक क्रोधित हुआ। ये जिवेन ने अब उसे शुरू करने के लिए चुना। ये स्पष्ट था कि उसने पहले नर्म खुरमा को चुटकी में लेने की योजना बनाई थी और पहले उसके साथ शुरुआत की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ नर्म खुरमा जैसा व्यवहार करने की? भूत कबीले के सम्राट ने दहाड़ लगाए और तुरंत ये जिवेन के चेहरे पर मुक्का मारा और प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी। बस अपने नर्म खुरमा को धमकाओ तो क्या? ये जिवेन हंसे और एक कदम में बाहर निकल गए। उसने अपनी पांचों अंगुलियों को चुटकी में काट लिया और 6 पुनर्जन्म मुक्केबाजी में बदल गया। केवल एक क्षण में ये फैल गया और सीधे ढेर हो गया। बूम, दो सर्वोच्च मुट्ठी तकनीकें सीधे टकरा गईं। भूत कबीले का सम्राट जाहिर तौर पर मुक्केबाजी का भी उस्ताद था। यह मुट्ठी तकनीक अभी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसने सातवें क्षेत्र में प्रवेश किया था और ये जिवेन और उनके बीच का अंतर पहले के दो सम्राटों जितना अलग नहीं था। टकराना। अद्भुत शोर के बाद दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे की मुट्ठी को निगल गईं, ऑफसेट हो गईं और फैल गईं। डैंग डैंग डैंग। भूत परिवार का सम्राट कई कदम पीछे चला गया, जो बमुश्किल रुका। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसका पूरा हाथ लकवाग्रस्त होने वाला था। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि जब पांचवें क्षेत्र के सम्राट ने ये जिवेन का सामना किया तो वह इस छोटी चीज पर आने तक समय की देरी भी नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि उनके साथी बहुत अक्षम थे, बल्कि दूसरा पक्ष बहुत असामान्य था। जब ये जिवेन उसका आगे पीछा करने जा रहा था तो बिजली की तरह तेज खून का एक बड़ा तूफान उसकी ओर गिरा। ये क्रिस्टल भेड़िया सम्राट था जिसने शुरुआत की और उसका पूरा सिर क्रिस्टल पत्थर के शरीर में बदल गया। हालांकि वह एक भेड़िया था, वो एक राक्षस परिवार नहीं था, बल्कि एक क्रिस्टल परिवार था, एक छोटी संख्या, लेकिन वे सभी सबसे शक्तिशाली जातीय समूह हैं, जो बहुत अच्छा है। बूम, जब वह मुंह बंद हुआ तो स्वर्ग और पृथ्वी पर बड़े जोर का शब्द हुआ और अंतरिक्ष फट गया। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की काटने की शक्ति एक अद्भुत डिग्री तक पहुंच गई है। यहां तक कि तू जिवेन भी नहीं चाहता था कि उसे काटा जाए। दुर्भाग्य से यह अभी भी खाली था। तू जिवेन द्वारा दानव विंग खोलने के बाद गति चरम पर पहुंच गई। ब्रश, ये जिवेन तुरंत क्रिस्टल भेड़िया सम्राट के शीर्ष पर दिखाई दिए। उसके हाथ में एक नाक वाली तलवार दिखाई दी और चिल्लाया, तलवार सूत्र को दफनाओ।
उसके हाथ में लंबी तलवार से तलवार की चमक दूधिया छींटे जैसी थी जिसे काट दिया गया था। तलवार की यह चमक बिजली की तरह चमड़े के नीचे की थी और सीधे क्रिस्टल भेड़िया सम्राट के सिर पर जा लगी। वास्तव में क्रिस्टल वुल्फ सम्राट जैसे प्राणियों के लिए ये लगभग हर जगह समान है क्योंकि रक्षा बहुत अद्भुत है। कब जोर की आवाज आई। ये ज़िवेन की नाक वाली तलवार ने सीधे क्रिस्टल भेड़िया सम्राट पर एक निशान बना दिया और चिंगारी फूट पड़ी। क्रिस्टल भेड़िया सम्राट ने दर्द सहा और बार बार पीछे हट गया। उसके सिर पर एक अद्भुत चोट का निशान था जो उसके विशाल शरीर पर भी बहुत आकर्षक लग रहा था। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन उसकी रक्षा को तोड़ सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से टूटा नहीं है, लेकिन यह उसके लिए मांस खाने का एक बेहद खतरनाक संकेत है। अपनी प्राकृतिक शारीरिक शक्ति के कारण वह शारीरिक साधना में भी अच्छा है। उसकी जादुई शक्ति उसकी ताकत नहीं है। हर किसी की अपनी दिशा होती है, त्याग करना और हासिल करना, ताकि वह पर्याप्त समय में सम्राट के दायरे में कदम रख सके। ये ज़िवेन की तरह उन्होंने कई तरह की चीजें सीखी हैं और कुछ हासिल किया है। ये बस एक विचित्र चीज है जिसे हजारों वर्षों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वास्तव में ये ज़िवेन भी आश्चर्यचकित थे। एक तलवार से वो क्रिस्टल भेड़िया सम्राट का सिर काटने में असफल रहा, केवल एक निशान रह गया। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की रक्षा शक्ति वास्तव में अद्भुत है, जिसकी तुलना लगभग तियानई सम्राट से की जा सकती है। तुम्हें पता है तियानी सम्राट ने नौवें क्षेत्र में कदम रखा है। ये कहा जा सकता है कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट इस संबंध में वास्तव में अच्छा है। ये गिरता नहीं है। अनेक सम्राट सामने का दृश्य देखते रह गए। सातवें क्षेत्र से ऊपर का अस्तित्व उन सम्राटों के लिए भी बहुत मजबूत है जो युद्ध देखते हैं, और वे केवल इसकी ओर ही देख सकते हैं। ये ज़िवेन सातवें क्षेत्र और आठवें क्षेत्र के खिलाफ हार नहीं मानती। ये ताकत कई ग्रेडों में ये ज़िवेन का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त है। यह उतना सरल नहीं है जितना उन्होंने पहले सोचा था, यहाँ तक कि जितना उन्होंने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। थोड़ी सी लड़ाई के बाद ये ज़िवेन को दो लोगों की गहराई का पता चला। स्वयं की तुलना में तो वह कुछ भी नहीं था। भले ही क्रिस्टल वुल्फ सम्राट भी आठवां क्षेत्र था, वह उसे तब भी हरा सकता था जब वह आठवें क्षेत्र से होकर गुजरा था। अब की बात तो दूर। ये सिर्फ इतना है कि वह जाने नहीं दे सकता और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वह पौराणिक आकाश खाने वाले दानव परिवार के नौवें क्षेत्र के सुपर अस्तित्व से भी डरता है, जो इस यात्रा में ये ज़िवेन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह अंधेरे से कब बाहर निकलेगा, इसलिए वह पूरा खेल नहीं दे सका। बूम, ये ज़िवेन ने राक्षस परिवार के सम्राट के हमले को विफल कर दिया, सीधे उसे कई कदम पीछे कर दिया। क्यों, क्या तुम्हारे महान पूर्वज प्रकट नहीं होते? ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा, और जैसे ही कोई संकेत मिला उसकी भावना चरम पर पहुंच गई। यह अपनी पूरी ताकत से विस्फोट करेगा। आपसे निपटने के लिए लाओजू को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्रिस्टल भेड़िया सम्राट ने उदासीनता से कहा। दूसरे सम्राट भी थोड़े मूर्ख थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन का लक्ष्य भूत परिवार का पूर्वज था। ये ज़िवेन के अर्थ को सुनकर ये स्पष्ट है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह नहीं जानता था कि ऐसी भयानक आकृति मौजूद है कि उसने लापरवाही से आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया, बल्कि इसलिए कि वह स्पष्ट रूप से जानता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। जाहिर है उसके पास अपने कार्ड जरूर होंगे। और उसका कार्ड क्या है? चूंकि वह बाहर नहीं आता, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक वह बाहर नहीं आ जाता। ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष का बाहर आने का इरादा नहीं था, ये ज़िवेन ने बस इंतजार नहीं किया। इतना उग्र मत बनो, राक्षस परिवार के सम्राट ने दहाड़ कर फिर से मार डाला, जिससे दूसरी तरफ क्रिस्टल भेड़िया सम्राट के साथ हमले की संभावना बन गई। ये ज़िवेन की ताकत स्पष्ट रूप से उनके ऊपर स्थिर है। किसी एक व्यक्ति की जीत की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। केवल जब वे एक साथ काम करेंगे तो वे ये ज़िवेन को दबा सकते हैं। बूम, ये ज़िवेन का उन्मादी मन एक ट्रेन और आकाश में इंद्रधनुष की तरह हवा में लहराता हुआ फूट पड़ा। वह कैसे मजबूत हो गया? बहुत से लोग और भी अधिक चकित थे क्योंकि उन्होंने पाया कि इस आधार पर तू ज़िवेन की ताकत को उच्च स्तर पर अपग्रेड किया गया था। अभी की तुलना में ये ज़िवेन अब और अधिक भयानक महसूस करता है, और भी बेमिसाल। क्या उसने अभी अपनी सारी ताकत नहीं लगाई? इस अनुमान ने तुरंत कई लोगों को उनके पीछे ठंडा महसूस कराया। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट भी आठवें क्षेत्र का विशेषज्ञ है और उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ का सामना कर रहा है। ये ज़िवेन अपनी ताकत छिपाता है और एक पर दो का अभी भी पलड़ा भारी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पौराणिक नौवें क्षेत्र में स्वर्ग खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज को चुनौती देने का साहस करता है।
क्या असंभव। भूत परिवार के सम्राट और क्रिस्टल भेड़िया सम्राट पूरी तरह से चौंक गए। इससे पहले टू जिवेन ने सोचा था कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन, जिसने एक सांस में अपने पूरे शरीर की युद्ध शक्ति को छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं रुका। वो एक कदम बाहर निकला, जोर से चिल्लाया, मुक्का मारा और सीधे भूत परिवार के सम्राट को मार डाला। पहले कमजोरों को काटो, और ये जिवेन क्रिस्टल भेड़ या सम्राट को पूरे दिल से साफ कर सकते हैं। भूत कबीले का सम्राट कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था, खासकर ये जिवेन ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह पीछे हटकर बच नहीं सका। उसने उसी मौके से उसे उड़ा दिया और किसी को सांस लेने का मौका नहीं दिया। टकराना। दोनों पक्षों की दो मुट्ठियां तेजी से आकाश में पहुंची और फिर तेजी से टकरा गई। क्षण भर में ही उन्होंने हार जीत का बंटवारा कर दिया। विस्फोट का नियम खत्म हो गया, एक भयानक तूफान बना और सब कुछ अलग थलग हो गया। जैसे ही वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कानून तूफान में क्या हुआ, उन्होंने एक आकृति को उल्टा उड़ते हुए देखा। उन्होंने देखा तो वह राक्षस कुल का सम्राट नहीं था। कौन था? हालांकि आकाश को खाने वाला राक्षस परिवार का सम्राट उल्का की तरह उड़ गया। सम्राट के खून ने आकाश में एक बहुत ही स्पष्ट निशान खींच लिया। यहां तक कि सम्राट का खून भी माउंट ताई जितना भारी था और उसने आकाश को फाड़ डाला। सातवें दायरे में सम्राट एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया है। यह एक विजेता है। कई लोगों की पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं और जीत और हार का बंटवारा एक ही झटके में हो गया। मूल रूप से ये जीवेन ने अभी अभी लड़ाई में एक फायदा दिखाया था, लेकिन अब ये जीवेन ने एक साधारण फायदा नहीं दिखाया, बल्कि एक संपूर्ण और जबरदस्त फायदा दिखाया। एक झटके से भूत परिवार के सम्राट को ये जीवेन ने बुरी तरह घायल कर दिया और लड़ाई एक पल में विभाजित हो गई। बूम! भूत परिवार का सम्राट सीधे एक पर्वत शिखर से टकरा गया। पहाड़ पर मौजूद सरनी और सीमा ने उसे अवरुद्ध कर दिया और उसे क्षितिज से बाहर उड़ने नहीं दिया। लेकिन इस समय लोग अंततः देख सकते हैं कि राक्षस परिवार को खाने वाले आकाश के सम्राट को खून की उल्टी हुई है और उसकी मांसपेशियां दरारों से भरी हुई है। उस पर जोरदार प्रहार किया गया, यहां तक कि क्रिस्टल भेड़िया सम्राट ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसके पास इसे रोकने का समय नहीं था। उसने केवल ये देखा कि ये जिवेन ने सीधे शैतान के पंख को लॉन्च किया और सफल हमले के बाद उसका पीछा किया, जिससे उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। राक्षस परिवार को निगलने वाले सम्राट को बस ऐसा महसूस हुआ कि आकाश घूम रहा है और पूरा शरीर ढहता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके दिल में अंतहीन दर्द बना हुआ था, लेकिन वह जानता था कि यह अभी भी लड़ाई में है और यह आराम करने का समय नहीं है। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोली तो अचानक उसे ये जिवेन का शरीर दिखाई दिया। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब अपने आप को धोखा दे दिया। उसके हाथ में सम्राट की मुहर बड़ी और बड़ी होती गई, लेकिन ये बस एक पल का प्रयास था, बिल्कुल पहाड़ की तरह। बूम! आकाश खाने वाले दानव परिवार के सम्राट के पास केवल चीखने का समय था और पूरा व्यक्ति सम्राट वू की मुहर से डूब गया था। पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और सम्राट वू की मुहर से आकाश में तैरता हुआ युवान भगवान भी बिखर गया। मांस को ये जिवेन ने आसानी से अवशोषित कर लिया था, मानसिक गणना के साथ, लेकिन कोई इरादा नहीं, ये सिर्फ दो चालें थी। सातवें क्षेत्र में स्वर्ग खाने वाले राक्षस परिवार के सम्राट को ये जिवेन ने मार डाला था। ऐसी गति ने कई सम्राटों को पूरी तरह से चौंका दिया। ये निश्चित रूप से एक हत्यारा आदमी है। यदि उन्हें बदल दिया जाए तो वे हिल नहीं पाएंगे। हालांकि कुछ कारण है कि उनके पास मानसिक गणना तो है, लेकिन कोई इरादा नहीं है। ऐसी युद्ध प्रभावशीलता काफी आश्चर्यजनक है। तुम मरना चाहते हो? एक मुंह सारे आकाश और पृथ्वी को निगलने के लिए है। यह एक परम अलौकिक शक्ति है। ये लंबे समय से उनके संज्ञा के साथ एकीकृत है और सबसे भयानक शक्ति की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने एक ही मुंह से स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंधेरा था। फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी कानून और सभी रेखी को एक साथ संपीड़ित किया गया। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड ढह गया और फिर से अपने मूल स्थान पर लौट आया। पूरा दृश्य भयानक था। इन सब का केंद्र ये जिवेन के सामने है। जबकि टू जिवेन ने भूत परिवार के सम्राट को मार डाला, उसने सीधे सब कुछ नष्ट कर दिया। ये जिवेन ने चकमा नहीं दिया और उसे नहीं पता था कि क्या बहुत देर हो चुकी थी या उसे इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने बस कड़ा संघर्ष किया। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ शून्य बिखर गया और हर कोई एक एक करके अंतरिक्ष मलबे के पतन को देख सकता था, जो ये जिवेन पर केंद्रित सभी दिशाओं में फैल रहा था। हालांकि केंद्र में मौजूद ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। भयानक काटने वाली शक्ति उसके चारों ओर विफल हो गई।
उसके समय के साम्राज्य का विस्तार हुआ, मानो वह इस स्वर्ग और पृथ्वी में स्वतंत्र हो गया हो और स्वर्ग और पृथ्वी बन गया हो। ये झटका अंततः ये जिविन के समय के साम्राज्य को तोड़ने में विफल रहा, लेकिन उसके चारों ओर समय की लहरें बन गईं, रंगीन रंग बहुत सुंदर हैं, औरोरा की तरह, लेकिन इस समय कोई भी उनकी सराहना नहीं करता है। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और युद्ध के मैदान की ओर देखने लगे। हर किसी को लग रहा है कि जीत या हार सामने ही है और हम एक पल भी चूकने वाले नहीं है। इस समय ये जिविन, जिसने भूत परिवार के सम्राट की लाश को अपने शरीर में एकत्र किया था, अचानक हिल गया और उसने अपने हाथ फाड़ दिए, जिससे दुनिया बिखर गई। बूम, ये जिविन को एक बाधा का सामना करना पड़ा जैसे उसने कुछ फाड़ दिया हो। फिर तू जिविन ने शराब पी ली और अचानक ताकत बढ़ा दी। तब उसने देखा कि सारे आकाश का पर्दा फट गया और फिर लोहू अचानक प्रकट हुआ और मूसलाधार वर्षा की नाई बहने लगा। फिर मैंने एक विशाल खोपड़ी को उड़ते हुए देखा और एक विशाल आकृति दिखाई दी, लेकिन यह एक अच्छा क्रिस्टल भेड़िया सम्राट नहीं था। कौन था? लेकिन इस समय क्रिस्टल भेड़िया सम्राट पहले की तरह राजसी नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी खोपड़ी और बड़ा मुंह ये जिविन द्वारा उलट दिया गया था। सब कुछ खूनी लग रहा था। क्रिस्टल भेड़िया सम्राट पीछे हट गया और उल्टी हुई खोपड़ी धीरे धीरे फिर से बढ़ रही थी, लेकिन इस झटके ने अब भी कई लोगों को डरा दिया है। ये जिविन का हमला बहुत भयावह था। आपने अभी हमला किया और अब मेरी बारी है। ये जिविन ने उसके मुंह के कोनों पर व्यंग्य किया। उसका पूरा शरीर प्रत्यंचा से निकले तीर के समान था और वह निकल गया। एक पल में वह क्रिस्टल भेड़िया सम्राट के पास आया और मुक्का मारा। टकराना, ये जिविन की मुट्ठी तेज और क्रूर थी। क्रिस्टल भेड़िया सम्राट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मौके पर ही गोली मार दी गई और उसका पूरा शरीर उलट पुलट हो गया। उसके क्रिस्टल मास पर ये जिविन ने एक गहरे गड्ढे में छेद कर दिया, जो मकड़ी के जाल की तरह घनी दरारों से घिरा हुआ था, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। हालांकि यह केवल एक समूह है, ऐसी चोटें आश्चर्यजनक रही है, क्योंकि ये जिविन का आक्रमण निरंतर है, ये तो बस शुरुआत है। ये जिविन के आक्रमण ने एक तूफान की तरह सीधे क्रिस्टल वुल्फ सम्राट या अधिकांश लोगों को हरा दिया। इससे पहले ये जिविन ने अपना मजबूत पक्ष दिखाया था और प्रत्येक मुक्का असीम रूप से शक्तिशाली था, जैसे कि यह आकाश में उड़ सकता है। अब लोग जानते हैं कि ये जिविन न केवल शक्तिशाली है बल्कि बिजली की तरह तेज भी है। सम्राट की कार्रवाई की गति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी नहीं है, लेकिन ये जिविन की गति तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है। दूसरे शब्दों में ये जिविन की पिछली चालों से हर कोई भ्रमित था। अप्रत्याशित रूप से ये जिविन इस संबंध में अधिक मजबूत थे और एक बहुमुखी व्यक्ति थे। टकराना, 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 क्रिस्टल वुल्फ सम्राट पर प्रत्येक मुक्का एक बड़ा अंतर खोल सकता है। यदि आप अपना मांस और रक्त बदलते हैं तो आप इस समय गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, लेकिन क्रिस्टल भेड़िया सम्राट अभी भी दृढ़ता से लड़ रहा है। उनकी जाति ने उन्हें एक मजबूत भौतिक शरीर दिया, जो इस समय सबसे अधिक तीक्ष्ण और स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। हालांकि जनता की नजर में ऐसा पलटवार निरर्थक है, क्योंकि उसके हमले से ये जिविन के लिए कोई बुनियादी खतरा पैदा होना मुश्किल है। ये जिविन समय के लबादे से अपनी रक्षा करता है। समय की शक्ति से समय का साम्राज्य बनाना सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। हालांकि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट अच्छा है और आठवें क्षेत्र में कमजोर नहीं है, यह अफसोस की बात है कि वह ये जिविन से मिला। हालांकि इसने नौवीं सीमा को पार नहीं किया है, लेकिन यह इसे कुचलने के लिए पर्याप्त है। इसके विपरीत ये जिविन के प्रत्येक हमले से क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को काफी नुकसान हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि यदि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट सावधान नहीं है तो एक मुक्का मौलिक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यह वह अपने नंगे हाथों से हमला करता है। इसके विपरीत क्रिस्टल भेड़िया सम्राट की विशेष काया के साथ वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस समय सभी जातीय समूहों के कई सम्राट एक साथ उनके आसपास एकत्र हुए, एक समस्या जिसे पहले उनके द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। ये जिविन का शरीर भी भयानक है। अपनी विशेष काया के कारण क्रिस्टल वुल्फ सम्राट ताओवादी वाद्य यंत्रों का बिल्कुल भी त्याग और अभ्यास नहीं करता है, बल्कि स्वयं को त्यागने और अभ्यास करने के लिए सभी सामग्रियों का उपयोग करता है। ये भी कहा जा सकता है कि वह एक शक्तिशाली ताओवादी वाद्य यंत्र है। उन्होंने मजबूत और शक्तिशाली लोगों को नहीं देखा है, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। ताओवादी हथियारों को अपने नंगे हाथों से मारना तो दूर की बात है, जो अनसुना और अनसुना है। ये जिविन की मुट्ठी क्रिस्टल भेड़िया सम्राट पर लगी। उसके अपने हाथ से कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को एक के बाद एक भारी अवसादों का सामना करना पड़ा।
इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों पक्षों की शारीरिक ताकत मजबूत और कमजोर है, यह एक नजर में स्पष्ट है। इससे पहले क्रिस्टल वुल्फ सम्राट येजिवेन के अचानक प्रकोप से घबरा गया था और उसे अचानक नुकसान हुआ था। इस समय यह अंतर असीम रूप से बढ़ गया था और मूल चोट ठीक नहीं हुई थी। नए घाव जोड़ने का सीधा सा मतलब है उसे जीने का रास्ता न देना। ये सिर्फ इतना है कि कई सम्राट बहुत अजीब हैं कि अब तक, यहाँ तक कि कई सम्राटों को ये जिवेन द्वारा मार दिया गया है और यहाँ तक कि सातवें दायरे जैसे सुपर मजबूत लोगों को भी। ऐसा लगता है कि आकाश खाने वाला दानव परिवार चुप है और इसका कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ, या वे सब बाहर है? ये शंकाएं हर किसी के मन में रहती है। इस समय ये देखते हुए कि क्रिस्टल भेड़िया सम्राट भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, आकाश खाने वाले दानव परिवार के कई अर्थ सम्राट चिंतित हैं। वे इस तरह के युद्ध में आंख मूंद कर हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करते। भले ही वे करीब हों, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई से उठी तेज हवा से वे राख में उड़ सकते हैं। लाओ जू को आमंत्रित करने के लिए जल्दी करें। लाओ जू के अलावा इस आदमी को कोई नहीं रोक सकता। चलो चलो चलो, विन्यास करें। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को पीटा गया और पीछे हट गया, लेकिन ये जिवेन सत्ता में था और बार बार संपर्क करता था। साफ था कि उसका इरादा उसे यहाँ मार डालने का था। वह समझ गया है कि अगर वह नहीं लड़ेगा तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा। उसके सामने वाला आदमी बहुत मजबूत है और उसके द्वारा उसी दायरे में कुचले जाने का एहसास होता है। मैं नहीं जानता कि राक्षस कैसे बड़ा हुआ, लेकिन इसने उसे इस मुकाम तक बड़ा कर दिया। यदि आप उसे नहीं मार सकते तो ये भविष्य में आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक बार जब वह नौवें क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। उस समय हालांकि आकाश खाने वाले राक्षस हमेशा आश्वस्त रहे हैं और मजबूत दुश्मनों से डरते नहीं हैं, ये वही बात नहीं है कि नौवें क्षेत्र में एक बेवजह मजबूत दुश्मन और एक सम्राट का दुश्मन है। गर्जन, क्रिस्टल भेड़िया सम्राट, जिसका पूरा शरीर मांस के क्रिस्टल से बना है, चमक रहा है। हर कोशिका और परमाणु जल रहे हैं, आतंक की शक्ति छोड़ रहे हैं। फिर वे सभी उसके मुंह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अचानक अपना मुंह खोलते हैं और आकाश को निगलने की प्रवृत्ति बनाते हैं। अभी की तुलना में ये झटका न जाने कितने गुना ज्यादा मजबूत है। इस समय क्रिस्टल वुल्फ सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र स्वामी और ब्रह्मांड में एकमात्र अधिपति है। उसके शरीर की हर कोशिका जल रही है और हर कोशिका में ईश्वर का साम्राज्य है। इन राज्यों की सभी प्रकार की शक्तियां दुनिया की शुरुआत की तरह प्रसारित होती हैं। क्रिस्टल भेड़िया सम्राट चाहता है कि ये शिवेन को एक ही झटके में निगल लिया जाए। पूरा ब्रह्मांड ये जिवेन की दिशा में ढह रहा है और ढह रहा है। उदाहरण के लिए यह अद्भुत है और दृश्य अत्यंत भयानक है। आसमान निगल जा रहा है। क्या ऐसा ही होता है? ये जिवेन ने दूसरे पक्ष के हमले को नजरअंदाज कर दिया। उसने बस अपनी पांचों उंगलियों से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके पीछे छह संसार की सांसें बनी, जिससे एक विशाल छह संसार चक्र बना। हर मिनट पहिया घूमता है तो जिवेन की शक्ति मजबूत होगी। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की तरह ये जिवेन भी पहली लड़ाई खत्म करने और क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को एक झटके में अपन करने की योजना बना रहा है। केवल इसी तरीके से लड़ाई को कम समय में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उसने दूर एक बड़ी अवस्था में एक भयानक सांस को धीरे धीरे ठीक होते हुए महसूस किया है। वह सांस आज के क्रिस्टल भेड़िया सम्राट से भी आगे निकल जाती है। बस थोड़ी सी सांस ही नजर आती है। ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि यह संभावना है कि आकाश खाने वाले दानव कबीले के तथाकथित पूर्वज अपनी लंबी नींद से उबर गए थे और उन्हें सम्राट और आकाश खाने वाले दानव कबीले के पूर्वज के ठीक होने से पहले क्रिस्टल भेड़िया सम्राट को मारना था। अंत में ये जिवेन का छह संसार का पहिया चरम पर चला गया और सभी आतंकवादी ताकतें ये जिवेन की मुट्ठी में इकट्ठा हो गई। छह संसार, तुम्हें पश्चिम भेज दो, ये जिवेन ने जोर से चिल्लाया। मुट्ठी फूटते ही दुनिया पलटने का भय व्याप्त हो गया। उदाहरण के लिए मुट्ठी ने हर चीज को छेद दिया और अद्वितीय थी। यहाँ तक कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की आकाशीय शक्ति भी एक पल में एक बड़े छेद में टूट गई और ये जिवेन की ओर लुढ़क नहीं सकी। बूम, यह मुक्का क्रिस्टल भेड़िया सम्राट से टकराया। क्रिस्टल भेड़िया सम्राट की आंखों में भय की झलक चमक उठी। उसने तुरंत देखा कि यह झटका किसी भी पिछले झटके से बिल्कुल अलग था और ये जिवेन की ताकत न जाने कितनी बार थी। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस समय क्रिस्टल भेड़िया सम्राट को पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन उसे यह अवसर बिल्कुल नहीं देगी। उसकी मुट्ठी एक भयानक धार में बदल गई और उससे टकराए। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर का प्रत्येक क्रिस्टल और कोशिका बह रही थी।
हाँ, उसका मूल ठोस शरीर येजेवेन की मुट्ठी की गति में तरल और गैस की तरह बह रहा था और उड़ गया था। ये जड़ परमाणुओं और कोशिकाओं से टूटने जैसा है। यहाँ तक कि उसका मन भी स्वयं को ठीक नहीं कर सकता। उसे बस यही लगता है कि उसका पूरा शरीर उड़ जाएगा और इंच इंच ढह जाएगा। यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका में मौजूद युवान भगवान, जिसे मारना मूल रूप से बहुत मुश्किल था, उड़ा दिए जाने के क्षण में ही नष्ट हो गया। गर्जन, क्रिस्टल भेड़ी या सम्राट आकाश तक दहाड़ता रहा। इस वक्त उसे इतनी परवाह नहीं थी। वह सम्राट के अपने मूल को जला रहा था, ये जिवेन को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके शरीर को ठीक करने के लिए, ताकि उसे पुनर्जन्म में न भेजा जाए और ये जिवेन की 6 संसार मुट्ठी द्वारा नष्ट न किया जाए। हालांकि ये बेकार था। ये जिवेन की मुट्ठी के सामने उसका प्रतिरोध हाइटॉन के वयस्कों के प्रतिरोध जैसा था, जो असंभव था। इस समय अनगिनत आकृतियां सीधे उड़ गईं और ये जिवेन को मार डाला। ये जिवेन को रोकने के लिए वे राक्षस परिवार को खाने वाले आकाश के कई मजबूत लोग थे। हालांकि इससे पहले कि वे ये जिवेन के करीब पहुंचते, ये जिवेन के समय के लबादे पर समय की शक्ति ने उनका गला घोंट दिया। यहां तक कि भावी सम्राट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सम्राट के सामने अर्ध सम्राट की शक्ति चींटी के समान नगण्य है। काला काला, भीड़ में सिर्फ लोगों के दांत टूटने की आवाज ही सुनाई दी। उन्होंने देखा कि क्रिस्टल भेड़िया सम्राट का पूरा शरीर इंच दर इंच नष्ट हो गया था। समय बीतने के साथ साथ विनाश की गति और भी तेज हो गई। कुछ ही समय में पूरा क्रिस्टल भेड़िया सम्राट बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो गया था। इस समय अचानक मैंने केवल एक तेज आवाज सुनी, जैसे कोई जबरदस्त आवाज दूर से आ रही हो, और दुनिया भर में आतंक की लहर दौड़ गई। आतंक की सांसें और अधिक समृद्ध होती जा रही है। आकाश पर ये स्वर्ग और पृथ्वी को अनगिनत टुकड़ों में फाड़ता हुआ प्रतीत होता है। तेज सांस तेज और तेज होती है और जल्द ही एक आकृति में संघनित हो जाती है। यह एक बूढ़ा आदमी है जो देखने में काफी बूढ़ा लगता है, लेकिन उसका पतला शरीर लोगों को डर का एहसास कराता है। शून्य घूम रहा है, मानो कोई शक्ति उमड़ रही हो। भूत कबीले के पूर्वज ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया। नौवें क्षेत्र से ऊपर की आतंकवादी ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी को लगभग नियंत्रित कर लिया था। सभी कानूनों और अलौकिक शक्तियों को उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये सर्वोच्च नियंत्रण है। यहाँ तक कि ये जिवेन भी इस संबंध में थोड़ा दबा हुआ महसूस करता है। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि उसे कानून और स्वर्ग तथा पृथ्वी के रास्ते में कौन दबा सकता है। ये निश्चित रूप से नौवें स्तर का अस्तित्व है। नौवें स्तर के विशेषज्ञों की तुलना में कानून के बारे में ये जिवेन की समझ अभी भी थोड़ी अलग है। यदि आप उस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, तो आपकी उपलब्धियां और नहीं गलत समझ स्वाभाविक रूप से एक पायदान पीछे है। यदि आप वास्तव में पहुंचते हैं, तो ये जिवेन पहले ही नौवें क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होंगे। डॉलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किनकी किंवदंती http://www.bikujazw.com/0_48/ आकाश खाने वाले दानव कबीले के धीरे धीरे बने पूर्वज ने ये जिवेन को भयंकर आंखों से देखा। विशेष रूप से उसे लगा कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट, जो कई वर्षों से उसके साथ लड़ रहा था, मारा गया था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका खून पीछे की ओर बहने वाला है। इतने सालों तक सोने के बाद उन्हें सच में एक ऐसी चीज दिखी। धतेरी की राक्षस परिवार का पूर्वज इतना क्रोधित था कि वह अपने क्रोध को शांत करने के लिए ये जिवेन को अपने सामने टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। बूम, आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज ने उसे एक पंजे से पकड़ लिया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी ने रंग बदल दिया और हवा और बादल पंजे की छाया में शामिल हो गए। इसने एक भयानक उन्माद पैदा किया, सीधे अंतरिक्ष में चला गया और एक पल में ये जिवेन के सामने छप गया। केवल इस बार तू जिवेन ने इसे एक पल में देखा। यह तियानयाव परिवार के पूर्वजों की गहराई को नष्ट कर देता है। मुझे डर है कि यह अभी भी तियानी सम्राट से ऊपर है, जिसे मैंने पहले देखा है। तियानी सम्राट ने अभी अभी नौवें क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसलिए उसकी ताकत और भूत कबीले के पूर्वजों के बीच अभी भी कुछ अंतर है। क्रोध के वशीभूत होकर राक्षस वंश को खाने वाले आकाश के पूर्वजों की भयानक शक्ति ने अन्य राज्यों के सभी जातीय समूहों के मजबूत लोगों को, जिन्होंने उत्तेजना को देखा, उनकी गर्दन में जकड़न महसूस हुई और उनके पूरे शरीर में कपकपी महसूस हुई। नौवां क्षेत्र, क्या ये वास्तव में नौवां क्षेत्र है? क्या सम्राट इतना शक्तिशाली हो सकता है? ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में एक कुएं के तल पर मेंढक हूँ। मैंने दुनिया के नायकों को कमाका। हालांकि मैं तैयार हूँ, नौवां क्षेत्र मजबूत है। या फिर उन्हें पूरी तरह से डरा दे। झटका बिजली जितना तेज और प्रेत जितना तेज था, ये सीधे ये जिवेन की छाती पर लगा।
टकराना, सोने और लोहे की टक्कर जैसी आवाज आ रही थी। ये दो अत्यंत कठोर लोहे के खंडों जैसा था। जब वे आपस में टकराए तब भी कुछ चिंगारियां थी। डेंग डेंग डेंग। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद ये जीवेन बार बार पीछे हट गए। उसकी छाती ऐसी भरी हुई थी मानो वह नदी और समुद्र को उलट रहा हो। लगभग हर कोर में पुराना खून बह रहा था। अभी सातवें क्षेत्र में क्रिस्टल भेड़िया सम्राट और आकाश खाने वाले दानव परिवार को कुचलने की ताकत की तुलना में ये समान नहीं है। लेकिन ये जीवेन डरे नहीं। इसके बजाय उसकी आंखें उज्जवल थी और भूत परिवार के सम्राट और पूर्वज पर केंद्रित थी, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा रहस्य मिला था। गोबलिन कबीले के पूर्वजों को क्षेत्र की गहरी समझ है, यहाँ तक कि तियानई सम्राट से भी ऊपर, लेकिन विस्फोटक ताकत के मामले में यह एक बल की तरह तियानई सम्राट से ज्यादा मजबूत नहीं है। अक्सर नाजुक समय में इस ताकत का प्रकोप रोका जाता है। ये घायल होने और पूरा खेल देने में असमर्थ होने जैसा है। एक बार यह विचार अस्तित्व में आया। इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने पाया कि अगर वह इस दिशा में सोचेंगे तो सब कुछ सुचारू रूप से विकसित होगा। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज के पास स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तर था, लेकिन ताकत के मामले में वह अपनी सभी युद्ध प्रभावशीलता को पूरा खेल नहीं दे सका। यदि उसकी ताकत किसी चीज से सीमित नहीं होती तो केवल एक ही संभावना थी, वह ये कि वह घायल हो गया था। विशेष रूप से पहले उन्होंने ये भी देखा कि उन तियानयाओ कबीले ने तियानयाओ कबीले के पूर्वज को जगाया, यानी तियानयाओ कबीले के पूर्वज गहरी नींद में थे। हालांकि सम्राट का समय अंतहीन था, किसी ने नहीं सोचा था कि उसके पास बहुत अधिक समय था, इसलिए उसे गहरी नींद के माध्यम से अंतहीन समय बिताने की जरूरत थी। ये स्थिति वास्तव में देवताओं के बीच बहुत आम है, क्योंकि जीवन काल इतना लंबा होता है कि स्वयं देवता भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें सोकर समय गुजारना पड़ता है। ये कुछ दीर्घायु समूहों का भी अभ्यास है, परंतु ये सामान्य देवताओं तक ही सीमित है, जो सम्राट के लिए असंभव है। जो लोग इस स्तर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए मन की इस स्थिति को सम्राट के दायरे में कदम रखने का अवसर नहीं मिल सकता है। सम्राट के लिए मैं खर्च करने के लिए एक मिनट को दो भागों में विभाजित करने का इंतजार नहीं कर सकता। सृष्टि के पौराणिक सर्वोच्च क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं, सम्राट से भी ऊपर पौराणिक ईश्वर का अस्तित्व है। मुझे सोने का समय कैसे मिल सकता है? तब केवल एक ही संभावना है, वो ये है कि वह घायल हो गया है और चोट इतनी गंभीर है कि उसे सोकर चोट के क्षरण को धीमा करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मिंग सम्राट को ये जीवेन ने मार डाला था। यदि ऐसा है तो यह मूल कारण को पूरी तरह से समझा सकता है कि आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के पूर्वज अपनी सारी शक्ति क्यों नहीं फैला सके। आप किस पर हंस रहे हो? आकाशभक्षी राक्षस परिवार का पूर्वज आगे आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। अचानक उसने ये जीवेन को अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराते हुए देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मैं हंस रहा हूँ। आपकी मृत्यु आ रही है और आप इसे अभी तक नहीं जानते हैं, ये जीवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसके शरीर में एक फीनिक्स की चीख थी और उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हो रही थी। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज द्वारा अभी अभी जो हिस्सा घायल हुआ था वह सब ठीक हो गया है। यह मरने का समय है। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज की आंखों में कुछ भयंकर आंखें चमक उठी, ये जीवेन को ठंड से घूर रहे थे। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि आप घायल हो गए हैं। आपने बाहर आकर अपने घायल शरीर के साथ मुझे रोकने की हिम्मत की है। आप आमतौर पर आश्वस्त नहीं है, ये जीवेन ने अपना अनुमान धीरे से कहा। भूत परिवार के पूर्वज, जो मूल रूप से उदासीन और उग्र थे, ने अंततः कुछ अलग रूप दिखाया और उनका चेहरा बहुत बदल गया। क्या भूत कबीले का पूर्वज घायल हो गया था? इस दौरान अन्य दर्शकों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सीधे नहीं लड़ते थे, इसलिए उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आता था। इसके अलावा तियानयाओ कबीले के पूर्वजों द्वारा दिखाया गया हिस्सा ही उनके लिए बेहद भयानक है और उनके अस्तित्व को नष्ट कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के पूर्वज लंबे समय तक फिर कभी प्रकट नहीं हुए। बहुत से लोग कहने से खुद को रोक नहीं पाते। ये सोचकर बहुत से लोग जाहिर तौर पर कुछ गलत सोचते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में वे बिल्कुल भी नहीं जानते। मूल रूप से ऐसा एक रहस्य है। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज के चेहरे का चौंका देने वाला रंग केवल एक पल के लिए नियंत्रित हुआ, फिर ये जीवेन की ओर देखा और कहा, हालांकि यह केवल एक टूटा हुआ शरीर है, यह आपको साफ करने के लिए पर्याप्त है। आपके मरने के बाद आपका समूह परिवार को भी नष्ट कर देगा और मुर्गियां और कुत्ते भी नहीं रहेंगे।
आकाशभक्षी दानव परिवार के पूर्वज को पता चल गया था कि आकाशभक्षी दानव परिवार के अर्ध सम्राट के मुंह से क्या हो रहा था जिसने उसे जगाया। ये पता चला कि ये ज़िविन उस मानव परिवार से था जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। बात बस इतनी सी थी कि उसने सोचा था कि मानव परिवार में इतना शक्तिशाली अस्तित्व होगा, परिणाम उल्टा होना चाहिए। ये ज़िविन ने उदासीनता से कहा, चूंकि आपने हमारे टेरान पर आक्रमण किया है इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। हालांकि आप बहुत दूर हैं, फिर भी आपको मार दिया जाएगा। यह अफसोस की बात है कि आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं है। आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज के चेहरे पर भयंकर रूप दिखाई देने लगा। उसकी सांसें अब भी इंच दर इंच सुधर रही थी। जल्द ही इसे अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा दिया गया। उसे बस यही लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसके नियंत्रण में है, कोई भी उसका मुकाबला या मुकाबला नहीं कर सकता था। बूम, आकाशभक्षी राक्षस वंश का प्रारंभ इसी पूर्वज से हुआ। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था। जब उसने उसे खोला तो उसमें आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता थी। ये ज़िविन ने केवल इतना देखा कि एक पल में ही भक्षण करने वाले दानव परिवार के पूर्वज के हाथ में लंबा चाकू आ गया और फिर लंबा चाकू सीधे उसके सामने आ गया, जिसने लगभग स्वर्ग और पृथ्वी को सीधे विभाजित कर दिया। चाकू तारों की एक नदी में बदल गया, एक भव्य रोशनी ली और उसे काट दिया। इस चाकू में सड़क पर राक्षस परिवार को खाने वाले आकाश के पूर्वजों की सारी समझ शामिल है। ये केवल एक साधारण चाकू है, लेकिन इसमें एक बिल्कुल अपरिहार्य आतंकवादी शक्ति है जो सभी स्थानों को अवरुद्ध कर देती है। ओह, आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज के लंबे चाकू ने सीधे ये ज़िविन को दो भागों में विभाजित कर दिया। इतना मजबूत, इतना तेज, भूत कबीले का पूर्वज बनने के योग्य। हाँ, ये वही है। उसके हाथ में जो लंबा चाकू है वह स्वर्ग को निगलने वाला चाकू होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग को निगलने वाला चाकू उसके दूसरे मुंह से बना है। इसमें भयानक शक्ति है। एक बार जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप बाहर निकल सकते हैं वर्षों से संचित शक्ति, और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सम्राट ने तियानयाओ परिवार के पूर्वज के हाथ में लंबे चाकू को पहचान लिया और एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका और कहा कि तियानयाओ परिवार के पूर्वज के अद्भुत चाकू के नीचे हर किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनकी नजर में हार जीत तय हो चुकी थी। इस चाकू से मारे गए ये ज़िविन के बचने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी, केवल एक मौत हुई थी। हालांकि इस समय एक सम्राट चिल्लाया, क्या असंभव। उन्होंने जल्दी से देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि ये ज़िविन जिसे काटा जाना चाहिए था प्रकाश के द्रव्यमान में बदल गया और गायब हो गया। सभी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और पूरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्हें विश्वास नहीं होगा कि ये ज़िविन बिना किसी कारण के गायब हो जाएंगे। वे कहीं छुप गए होंगे। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bikhujazw.com/0_48/tilde। इस समय पूरे आकाश पर अचानक एक विशाल बादल की तरह एक ताड़ का पेड़ दिखाई दिया जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। यह विशाल हथेली भयंकर रूप से नीचे गिरी, मानो ये धीमी और तेज हो। एक पल में इसे भक्षण करने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज पर थपथपाया गया था और वह सारी भयानक ताड़ की शक्ति एक पल में जारी हो गई थी। पूरे तियानशी पर पूरी तरह से इस हथेली का कब्जा था, जो तियानयाओ कबीले के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हथेली से भी अधिक भयानक लगती थी। बूम, इस हथेली ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे भूत कबीले के पूर्वज को थपथपाया, जिससे एक भयानक कानून तूफान खड़ा हो गया और एक पल में इसने पूरे युद्ध क्षेत्र का दृश्य ढक लिया। जबकि लोग अभी भी ये पता लगा रहे थे कि यहाँ क्या हुआ था, उन्होंने देखा कि एक आकृति कई बार धड़क रही थी, पीछे हट रही थी और हमले के केंद्र से हट रही थी, लेकिन वह आदमी भूत परिवार का पूर्वज नहीं था। कौन था? राक्षस परिवार को खाने वाले आकाश के शीर्ष पर ये ज़िविन की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसके पीछे शैतान का पंख लगातार धड़क रहा था और उसके चेहरे पर भाव ज्यादा नहीं बदले। तियानयाओ कबीले के पूर्वज के चाकू से कई लोग आश्चर्यचकित थे। हालांकि ये ज़िविन हैरान था, लेकिन वह तैयार नहीं था। आखिरकार वह पहले भी तियानी सम्राट से लड़ चुका था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत स्पष्ट थे कि नौवें क्षेत्र के विशेषज्ञों की भयानक छापेमारी क्षमता आठवें क्षेत्र की कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि ये ज़िविन की शारीरिक पद्धति के साथ भी हमें इसे बनाए रखने के लिए शैतान के पंख का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। तो तुम ज़िविन ने अभी अभी चाकू को चकमा दिया। उसने उसे मारने के बजाय एक एक करके मार डाला। लेकिन इस समय भूत कबीले के पूर्वज स्पष्ट रूप से अभी की तुलना में कहीं अधिक शर्मिंदा थे।
उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके मुंह के आसपास कुछ खून भी लगा हुआ था। जाहिर है अभी छापेमारी में उन्हें कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि यह केवल एक छोटा सा नुकसान था, यह उसकी खेती और ये जिविन के दायरे के संदर्भ में पहले से ही मूल्यवान था, यहां तक कि असंभव भी था। भले ही नौवे क्षेत्र का स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया हो, फिर भी वह नौवा क्षेत्र है जो कि आठवें क्षेत्र से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। त्यान्याओ परिवार के पूर्वज की तरह पुराने नौवे क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं। गहन कौशल अविश्वसनीय है। हालांकि फिर भी ये जिवेन सफल हुए, जो मदद नहीं कर सके लेकिन हर किसी को उनकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। क्या आकाशभक्षी राक्षस परिवार का पूर्वज सचमुच इस हद तक कमजोर हो गया है? हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी अक्कलों को पलट दिया, क्योंकि आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज ने फिर से गोली मार दी और भयानक चाकू हवा में उठ गया। लगभग उसी क्षण जब ये जिवेन प्रकट हुए, पलटवार एक छाया की तरह था, टासल हड्डी के एक कीड़े की तरह सीधे बह गया। भले ही पिछले गंभीर हमले के तहत उसे कुछ छोटे नुकसान हुए हो, आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। पतनशील होने के बजाय उसने ये जिवेन पर पलटवार किया। ये झटका अभी से भी अधिक शक्तिशाली है, बिल्कुल भी कमजोर नहीं और भी मजबूत, जिसने तुरंत कई लोगों को पिछली अटकलों को पलट दिया। न कि आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के पूर्वज कमजोर हो गए, लेकिन तू जिवेन बहुत मजबूत है। अभी उसकी हथेली क्या थी? यह इतनी भयानक क्यों थी? ये सचमुच भयानक है। मैंने अपने जीवन में इतनी शक्तिशाली हथेली कभी नहीं देखी। ये जिवेन बहुत मजबूत है। हालांकि ये सम्राट लंबे समय तक सम्राट रहे हैं, वे उस समय से बहुत दूर हैं जब भाग्य के सम्राट थे। कोई चौराहा नहीं है, वे पहचान ही नहीं पाते कि यह भाग्य विधाता की युद्धकला है। इस चाकू से आतंकित कानून की लहर का सामना करते हुए तू जिवेन को तुरंत लगा कि उसके आसपास के कानून की समझ और नियंत्रण से वंचित कर दिया गया है। आठवां क्षेत्र पहले से ही सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन नौवां क्षेत्र अभी भी बेहतर था। ये सम्राटों के बीच वास्तविक सर्वोच्च शक्ति थी। ये जिवेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में एक ड्रैगन नस जलती रही और एक भयानक आभा बनती रही, जो ये जिवेन की हथेली में समा गई और एक पल में बहुत सारी आभा जल गई। केवल इस तरह से वह स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ की स्वर्ग विरोधी ताड़ तकनीक को प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब उसने शुरुआत में तियानई सम्राट को हराया तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने द्वितीय ड्रैगन नस को जला दिया। तियानी दानव परिवार के पूर्वज स्पष्ट रूप से तियानी सम्राट से अधिक शक्तिशाली है। यह उनके लिए बचाव का सबसे सख्त समय है। ये कदम प्रकोप के लिए उपयुक्त नहीं है। बूम, पाम तकनीक और दाओ मैंग हवा में टकराए, जैसे दो विनाशकारी शक्तियां शून्य में टकरा रही हो, एक दूसरे को निगल रही हो और निगल रही हो। देखते ही देखते भयानक टक्कर होने लगी। भक्षण करने वाले राक्षस कबीले के पूर्वज ने अपनी आंखों में एक बढ़िया रोशनी डाली, जोर से पिया और कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। आप हमेशा इस चाल का उपयोग कर सकते हैं। नौवे क्षेत्र के रूप में उन्होंने लोगों को भी देखा है। स्वाभाविक रूप से वह समझता है कि सम्राट के नौवे क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र को पार करना कितना कठिन है। अगर कोई रास्ता है भी तो उसे इसे संभव बनाने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। तुम्हें मारने के लिए बहुत हो चुका, लेकिन ये तुम हो। तुम्हारी चोट कितने समय तक बनी रह सकती है? ये जिवेन जोर से चिल्लाया। दोनों पक्षों की आंखों में हत्या का इरादा घूम रहा था और वे एक दूसरे का आश्रय समझ चुके थे। दोनों लोगों की वर्तमान स्थिति लंबे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जिवेन भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली को बनाए रखने के लिए जलती हुई ड्रैगन नसों का उपयोग करता है। हालांकि उसके पास अभी भी कई ड्रैगन नसें हैं, वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता। आकाश खाने वाले राक्षस परिवार का पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गया है और लंबे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, अन्यथा चोट लगने पर वह मर जाएगा। ब्रश, ये जिवेन के पीछे दानव पंख नाचने लगा और पूरा शरीर रहस्यमय होने लगा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि वह अभी भी अपनी जगह पर है, बुद्ध समय और स्थान में चल चुके थे। उन्होंने दानव पंख की गति को चरम पर पहुंचा दिया था और यहां तक कि समय कानून के सिद्धांत का भी उपयोग किया था। चलो भी, चलो भी, चलो भी। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, वह वास्तव में भक्षण करने वाले राक्षस परिवार के पूर्वजों के सामने प्रकट हो गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी के लिए ताली बजाने का एक और मौका था। हालांकि आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज को ये उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन का पलटवार इतना भयंकर और निर्णायक होगा, वह पहले से ही तैयार था। उसके हाथ में मौजूद लंबे चाकू ने सीधे उसे मार डाला और सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी हथेली से टकरा गया।
बूम। आश्चर्यजनक टकरावों की एक श्रृंखला के बाद आकाश खाने वाले दानव कबीले के पूर्वजों की तलवार क्यूई ने ये जिवेन द्वारा खींची गई सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को सीधे काट दिया और दोनों पक्ष एक दूसरे को निगल गए और शून्य में बदल गए। एक भी प्रहार काम नहीं आया और ये जिवेन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों के ठीक पीछे एक चमकती छलांग लगाई। सृष्टि की एक और स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली गिर गई और अधिक ड्रैगन नसें जल गई, इसलिए इस हथेली की शक्ति और भी अधिक भयानक थी। आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज ने बहुत समय पर प्रतिक्रिया दी। उसने आसमान खाने वाले चाकू से काट डाला और भाग्य के स्वर्ग और पृथ्वी के ताड़ के खिलाफ चला गया। टकराना। एक विशाल विस्फोट के बाद आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज को केवल यह महसूस हुआ कि ब्लेड पर एक भयानक बल था और फिर वह सीधे उन पर गिर गया। वह कई कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। यह मजबूत हो सकता है, भूत कबीले के पूर्वज ने अंततः कुछ डर दिखाया, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये जिवेन की हथेली की शक्ति अभी सीमा नहीं थी बल्कि मजबूत हो सकती थी, जो निसंदेह उनके लिए एक बेहद खतरनाक संकेत था। लेकिन इस समय कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये जिवेन उसे जवाबी उपायों के बारे में सोचने का समय नहीं देंगे। वैसे ही एक हथेली नीचे गिर गई। एक हथेली दूसरी से अधिक भयानक थी और एक हथेली दूसरी से अधिक शक्तिशाली थी। शुरुआत में आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों के लिए विरोध करना बहुत मुश्किल था, अब तो छोड़ ही दे। गर्जन। राक्षस कुल के पूर्वज ने दहाड़ लगाए। उसके पास मारने के लिए दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी चोटों के कारण दोनों पक्षों की पहल धीरे धीरे ये जिवेन के हाथों में आ गई है। उसके पास इसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। टकराना, 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 टक्कर लगातार होती रही और क्षण भर में अनगिनत बार भयानक युद्ध छिड़ गया। ये जिवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की रचना मजबूत और मजबूत हो गई और अधिक से अधिक ड्रैगन नसें जल गई। इसके अलावा कास्टिंग के अधिक से अधिक समय के कारण स्वर्ग और पृथ्वी हथेली के निर्माण की उनकी महारत में और भी सुधार हुआ। इन सभी ने उनकी स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की रचना को और भी शक्तिशाली बना दिया। पूफ। अंत में इसे स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को फिर से जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज चिल्ला उठे। उनके शरीर पर लगी चोट आखिरकार दब नहीं सकी। इसे जबरदस्ती ये जिवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की शक्ति द्वारा संचालित किया गया था और फिर एक कौर खून बह निकला। जिस बचाव के लिए उसने पहले कड़ी मेहनत की थी वह इस समय ध्वस्त हो गया। इस बार आकाशभक्षी राक्षस परिवार के पूर्वज और अधिक विरोध नहीं कर सके। यहाँ तक कि वह स्थिर रूप से खड़ा भी नहीं रह पाता था। वह एक पल में बेहोश हो गया। उसका पूरा शरीर उल्का की तरह उड़ गया और फिर धरती से टकरा गया। भले ही पृथ्वी में सरणी समय पर पुनर्जीवित हो गई, वह अधिकांश प्रभाव का विरोध कर सकती थी, लेकिन शेष प्रभाव बल ने अभी भी पूरी पृथ्वी पर हजारों मील लंबी विशाल दरारें दिखाई दी। आतंक की शक्ति भूमिगत रगों को कंपा देती है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सब कुछ दुनिया के अंत की भविष्यवाणी के दृश्यों जैसा है। सामान्य आकाश खाने वाले दानव परिवारों के लिए ये वास्तव में दुनिया का अंत है, क्योंकि वे इस तरह की सदमे की लहर का विरोध नहीं कर सकते हैं। वे केवल चिल्ला सकते हैं और सदमे की लहर से सदमे में शून्य हो सकते हैं, और यहाँ तक कि कई लोगों के पास चिल्लाने का कोई मौका नहीं है, ये सीधे राख में धोया गया था। अच्छा, बहुत मजबूत। इस दृश्य को देखते समय कई सम्राट एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। इस समय वे अंततः जान गए कि ये जिवेन का आत्मविश्वास कहाँ से आया। हालांकि ऐसा रिश्ता था कि तियान्याओ परिवार का पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गया था, ये जिवेन ने तियान्याओ परिवार के पूर्वज की चोट को स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से मजबूर कर दिया ताकि वह अपनी ही चोट से गंभीर रूप से घायल हो जाए। ये है अभी भी एक शानदार लड़ाई है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते।